गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लो गुड इवनिंग गुड इवनिंग किडोस क्या हाल चाल क्या हाल चाल माई लिटिल सोल्जर्स माई जवानों कैसे हो क्या हाल चाल है हाँ जी एम आई लाइव एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल क्या सब कुछ ठीक है हम्म हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बोलिएगा बोलो, मैं ऑडिबल हूं मैं विजिबल यस, ओके ठीक है सब बढ़िया ऑल राइट right, आज देखो बड़े मस्त तरीके में एक ये चैप्टर करने वाले हैं हाई वेटेड चैप्टर है बच्चों दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है कितने क्वेश्चन आ जाते हैं मैम कितने क्वेश्चन आ जाते हैं तीन से पांच क्वेश्चन आ जाते हैं देखो इस बार भी तीन क्वेश्चन आए थे पिछली बार पांच आए थे उससे पिछली बार भी पांच आए थे तो बोल नहीं सकते ठीक है अगली बार क्या पता चार आ जाएँ पांच आ जाए वी डोंट नो हाई हाईवेटेड चैप्टर चाप, है पहली बात कि मैं इस चैप्टर को आज खत्म करा दूंगी क्योंकि आज ही खत्म हो जाएगा ऐसा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन यस जो बड़े ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं उनको बड़े बढ़िया तरीके से कवर करेंगे दूसरी बात कि अपना जो लेक्चर होने वाला है एनसीआर बेस्ड होने वाला है ठीक है हम इसमें लेटेस्ट पी वाई भी करने वाले हैं आपको डीपीपी भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे आपको डीपीपी मिल जाएगी एंड बच्चे इसका फ्री प्रैक्टिस सेशन होने वाला है कल तीन बजे ठीक है कल तीन बजे इसका फ्री प्रैक्टिस सेशन होगा ओके okay? ठीक है हाँ जी मैं येलो येलो लग रही हूँ पता नहीं कुछ लाइट का प्रॉब्लम होगा अरे कहाँ रह गए तुम लोग रह कहाँ गए रह कहाँ गए कहाँ रह गए यार ये बात गलत है तुम्हारी ये बहुत गलत बातें हैं तुम्हारी अब ठीक है अभी ठीक है पता नहीं यार मुझे नहीं पता क्यों येलो येलो मैं दिख रही हूं आई डोंट नो हाँ चलो क्विज बच्चे ऐप पे होगा बिल्कुल ऐप पे होगा ऐप पे होगा फ्री फ्री है दिस इज फ्री आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा डॉक्टर गार्गी सिंह नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा डॉक्टर गार्गी सिंह ढूंढ लेना भाई बिल्कुल आराम से मिल जाएगा सो दिस इज बच्चों आज हम ये चैप्टर डन एंड डस्टेड कर देंगे बस मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए तुम्हारा साथ चाहिए तुम्हारा जोश चाहिए है ना चलो शुरू करें ठीक है शुरू करें बच्चों शुरू करें लेट एस स्टार्ट लेट एस स्टार्ट लेट एस स्टार्ट आई एम नॉट हैप्पी आज देखो ये गलत बात है यार ये गलत बात है तुम आते नहीं हो क्लास लगाने हाँ वेरी बैड यार वेरी बैड मतलब मैं पिछले दो घंटे से बैठ के ये मैंने दो घंटे लगा के लेक्चर प्रिपेयर करा है पूरा मेरी भी एनर्जी लगती है लेकिन तुम्हों की आना ही नहीं है है ना बहुत बढ़िया बात है बहुत ही बढ़िया बात है hmm. चलो यस बच्चों यस शुरू करें ओके यू आर हियर हाँ चलो चलो शुरू करते हैं चलो एनी anyway, मैं क्या बोलूँ अब दिस इज दिस इज रियली बैड दिस इज रियली बैड चलिए जी बायोटेक्नोलॉजी बच्चे हम नोट्स खुद ही बनाएंगे ठीक है कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़े ही uh, क्या बोलूँ बड़ी आसान से पॉइंट है तो वो मैंने पहले लिख लिए हैं क्यों लिखे हैं ताकि अपना टाइम सेव हो जाए ठीक है ताकि अपना टाइम सेव हो जाए बट मोस्ट ऑफ द नाइनटीन ऑफ द चैप्टर हम लोग खुद हाथ से लिख कर ही करने वाले हैं ठीक है यस आ जाओ तो बायोटेक्नोलॉजी को हम क्यों यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं मुझे बायो टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है क्या फायदा क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है कि <coughs> कि हम उसको यूज़ करेंगे बायो फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन में यूज करेंगे थेराप्यूटिक्स मतलब इलाज करने में यूज करेंगे डायग्नोस्टिक मतलब किसी बीमारी का बीमारी को जानने के लिए यूज़ करेंगे कि भाई तुम्हें ये बीमारी है या नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के लिए यूज करेंगे जीएमओज बनाने के लिए यूज करेंगे प्रोसेस्ड फूड बनाने के लिए यूज़ करेंगे ठीक है बायो रेमिडिएशन क्या होता है बायो रेमिडिएशन इज कि आप कोई एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म यूज करके किसी चीज का खात्मा कर दो मतलब लड़स से कि कहीं पे बहुत ज्यादा तेल गिर गया समुद्र में बहुत ज्यादा तेल गिर गया अब तुम क्या करोगे तुम कोई बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हो तुम कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हो जो उस तेल को खत्म कर दे दैट इज़ बायो रेमेडिएशन ठीक है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके तुम किसी ऐसी चीज़ से छुटकारा पा रहे हो जो अच्छी नहीं है तो दैट इज़ बायो रेमडिएशन वेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों माइक्रोव्स वाला जो चैप्टर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वेस्ट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे एनर्जी प्रोडक्शन मतलब कि हम बनाएंगे इससे कुछ ना कुछ एनर्जी वाले जो चीज़ें होते हैं वो बनाएंगे हीट बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह 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 वो आप एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं ना ओके okay. अब अगर मैं तुम्हें बात करूं कि तीन चीजों पे हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हैं ये हैं बच्चे कि आपको ना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कैटालिस्ट बनाना है आपको बहुत बढ़िया कैटालिस्ट बनाने हैं आपको ऐसे कैटालिस्ट बनाने की जिससे ना मेरा एंजाइम मतलब एकदम मस्त एंजाइम मेरे पास बने तो वी आर ट्राइंग कि हम बेस्ट कैटालिस्ट बनाए ठीक है दूसरी चीज हम क्या चाहते हैं कि हम एक हम ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड कर दें कि मेरा प्रोडक्ट मैक्सिमम बने मेरा जो कैटलिस्ट है वो मैक्सिमम काम करे इस तरह का माहौल बना दें तीसरी चीज बच्चे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो तुमने मेरे साथ पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ठीक है जो तुमने मेरे साथ पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था जिस बच्चे के पास मेरे साथ बनाए हुए नोट्स हैं उसको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं जो बच्चा मेरे साथ नया पढ़ रहा है वो नोट्स बना लेना है ना वो नोट्स बना लेना तो ये तीन चीजें हैं बच्चे जो आपको ध्यान रखनी है ओके अब एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सबसे पहली बात हम ये करेंगे क्योंकि मैं इसके बाद तुम्हें जीएमओज बताने वाली हूँ उसके बाद हम बी टी कॉटन की बात करेंगे इसके बाद हम मिलाइडो ग्वनी की बात करेंगे इसके बाद हम कैसे इंसुलिन बनाया वो बनाएंगे सब अपने हाथों से लिख के बनाएंगे बट दीज आर द बेसिक चीज़ें बच्चों बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं अब यहाँ देखो अगर मैं कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में तुम फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो या तो तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो ठीक है या फिर तुम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर लो मतलब तुम क्या कर रहे हो केमिकल्स यूज कर रहे हो या फिर बच्चे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज कर लो आप ऐसे क्रॉप बना लो जिनका यील्ड होता है बहुत ज्यादा जिनका यील्ड कैसे होता है बहुत ज्यादा यील्ड होता है तो तीन ही तरीके हैं तो हमने क्या करा कि हमने सोचा कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ज्यादा ठीक है वो अपना ध्यान भी रख लेता है ठीक है वो पेस्टिसाइड भी खुद बना लेता है इंसेक्टिसाइड भी खुद बना लेता है और यील्ड भी बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ज्यादा दे रहा है तो हम क्या करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं है ना तो अब हम बनाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है वही माकड़ मानव जो हमने बनाया था पहले लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में जो बनाया था वही है तुम्हारा जिनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करके ही हम जिनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने वाले हैं ठीक है बनाने वाले हैं

कदम 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 लिखना चालू लिखना चालू ठीक है ना ओके ठीक है जी चलो बच्चों लिखना चालू अब तो मुझे बताते जाओ कि क्या एडवांटेज है तुम्हें क्या लगता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बना रहे हैं चलो ठीक है देखो अगर सिर्फ मैं ही मैं बोलूंगी उसमें तो मजा नहीं है ना थोड़ा सा तुम्हारा भी टेस्ट लिया जाए तुम्हारा भी तुम्हारा भी टेस्ट लिया जाए है ना जी यस yes. तो पहली चीज मैं क्यों बना रही हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे वेरी गुड विने वेरी गुड हाँ <coughs> चलो लिखे पहली चीज क्यों एडवांटेज है इनका फर्स्ट थिंग इज बच्चे कि ये ना एक तो अपना खुद ही ख्याल रख लेंगे खुद ख्याल रखेंगे मतलब पहली चीज इज ये ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं चाहे तुम इन्हें सर्दी में रख दो चाहे तुम इन्हें गर्मी में रख दो चाहे तुम इन्हें सूखे में रख दो ये अपना ख्याल रख लेंगे हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने इस तरह से ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिए हैं है ना इस तरह से बना दिए तो पहली चीज़ यस दे आर मोर रेजिस्टेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस मोर जिस्टेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि जैसे कि कोल्ड ठीक है जैसे कि वैसे एक बात मैं तुम्हें बताती हूं कि <coughs> आज मुझे पता चल गया हू आर ट्रू गार्गियंस आज मुझे पता चल गया आज ये बात तो सच हो गई आज ये बात प्रमाणित होगी प्रूव हो गई कि मेरे ट्रू गार्जियंस कौन है ठीक है ना बच्चे ना मैं देख रही हूं पढ़ रही हूं इनके लिए कुछ भी इनके लिए कुछ भी हाजिर यस यस कोल्ड रॉट ठीक है चाहे भी सूखा हो ड्राउट हो बहुत ज्यादा ठंडी हो गर्मी हो हीट हो सॉल्ट हो सब में सब में ये आपके हाजिर रहेंगे जैसे तुम हाजिर हो ना बच्चे जैसे तुम हाजिर हो वैसे ये भी हाजिर रहेंगे वैसे ही ये भी हाजिर रहेंगे सी यू आर माई जी एमओ आप बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए हैश टैग नो मैटर वॉट वी विल अटेंड द क्लासेस है ना चाहे कुछ भी हो जाए ओके okay, चलो नेक्स्ट बच्चे दूसरा क्या है दूसरा क्या है ये जो आपके हैं ना इतने ज्यादा हमने बढ़िया तरीके से बना दिया कि इनको आपको केमिकल्स डाल के इनके पेस्ट हटाने की जरूरत नहीं है इनके इंसेक्ट्स <coughs> हटाने की जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है आपको यहां पे इंसेक्टिसाइड नहीं लगाना है आपको यहां पे, पे पेस्टिसाइड क्योंकि तो अपने आप ही अपने आप ही हमने इनके अंदर क्या डाल दी है ऐसी चीजें डाल दी कि दे कैन टेक केयर ऑफ दमसेल्स हम बनाएंगे एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम बनाने वाले बीटी कॉटन बनाएंगे अभी थोड़ी देर में है ना ये सो यू विल राइट रिड्यूस रिलायंस ऑन रिलायंस ऑन भैया रिलायंस वोला रिलायंस मत समझ लेना रिलायंस ऑन केमिकल्स केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ओके okay. तीसरा थर्ड वन थर्ड वन थर्ड वन मैम कौन सा फिल्टर लगाया ये लाइट का आज कोई इशू है मेरे यहाँ पे मेरे को बड़े पता है फिल्टर लगाने हैं इतना ज्ञान नहीं है मेरे को जितना तुम मुझे समझते हो ना उतना पता है नहीं मुझे ओके <laughs> okay. चलो यस तीसरी चीज क्या हो जाएगी बच्चे तीसरी चीज जब हम क्रॉप को मान लो तुमने गेहूं उगां को काट के रख लिया जब किसान गेहूं को काट के रख लेता है तो उसमें तभी भी बीमारी लग सकती है तभी भी उसमें क्या बोलते हैं कीड़ा लग गया ऐसे बोल देते हैं मतलब फंगस लग गई बैक्टीरिया लग गया उससे भी खराब हो सकती है तो यहां पर क्या होता है हम उसका भी बचाव कर रहे हैं ये इतनी स्ट्रांग बन गई कि इट कैन ऑल्सो रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूसड पोस्ट harvest लॉसेस हाँ मैम आईब्रो ब्लू हो गया बच्चे ये मेरे को ना कुछ तो करना पड़ेगा ये मेरे से कोई सेटिंग हिली होगी अनजाने में मेरे से पक्का कोई सेटिंग हिली होगी आई डोंट नो हाँ वो मेरे को करवाना पड़ेगा ठीक करवाना पड़ेगा बट अभी के लिए ना तुम तो मेरी ब्लू आईब्रोज के साथ ही पढ़ के देखो है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम मेरी आईब्रोज ब्लू है या मेरी यू नो शक्ल कैसी लग रही है इट डजेंट मैटर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैटर करता है है ना रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड बच्चे फोर्थ थिंग इज कि जैसे आप क्रॉप लगाते हो प्लांट लगाते हो तो आपकी जो मिट्टी है मिट्टी से मिनरल्स यू नो गायब हो जाते हैं क्योंकि प्लांट यूज़ कर रहा है ठीक है तो उसमें मिनरल कम हो जाते हम ऐसे प्लांट बना रहे हैं जो कम से कम मिनरल में सर्वाइव कर जाएं तो इट विल आल्सो प्रिवेंट अर्ली आपकी जो मिनरल यूसेज है उसको कम कर देगा ठीक है इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज मिनरल यूसेज एफिशिएंसी आपकी जो सॉयल है ना सॉयल सॉइल के अंदर जल्दी से आपके मिनरल्स गायब नहीं होंगे है ना जल्दी से आपके मिनरल गायबल तुम ऐसे सोच रहे होगा ना कि काश ऐसा हो कि इस तरह के टेलर मेड जो प्लांट बन रहे हैं इस तरह के टेलर मेड अगर इंसान भी बन जाए तो है ना सबके दिमाग में आता है ना ये बट दैट इज नॉट अलाउड ठीक है दैट इज़ नॉट अलाउड ये ये बात मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस वाले चैप्टर में बट वो अलाउड नहीं है बच्चे ठीक है अनएथिकल है उसको बोला जाता है अनएथिकल एथिकल इलीगल है वो इलीगल है एंड लास्ट चीज़ इज हमने विटामिन ए का नाम सुना होगा विटामिन ए जो राइस हमने बनाई थी उसमें हमने विटामिन ए एनरिच बनाई ठीक है उसमें हमने कुछ जीन डाल दिए बच्चे कि वो विटामिन ए में रिच हो गई ओके तो उसका एग्जाम्पल क्या गोल्डन राइस एनहेंस्ड एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ओके एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू यस कैसे भाई एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल योर गोल्डन राइस गोल्डन राइस फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस जैसे कि इसमें हमने क्या डाल दिया दिस इज इनरिस्ट इन विटामिन ए विटामिन ए से इनरिस्ट है <coughs> वैसे इसमें जीन कौन सा डाला था विटामिन ए का जीन नहीं डाला था कौन सा जीन डाला था बच्चे बताओ गोल्डन राइस में हमने जीन कौन सा डाला था वॉट वॉज द नेम ऑफ द जीन हमने जीन क्या डाला था गोल्डन राइस में इट वॉज नॉट विटामिन ए विटामिन ए का कोई जीन नहीं था इट वॉज बीटा कैरेटिन जीन क्या था बीटा कैरेटीन ठीक है बीटा कैरेटीन डन य चलो विटामिन एनरिचे okay, जी चलो विटामिन ए एनरिच्ड थी क्योंकि हमने इसमें कौन सा जीन डाल दिया था बीटा कैरेटिन बीटा कैरेटिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए तो हमने क्या करा हम टेलर मेड प्लांट्स भी बना रहे हैं यहाँ पे टेलर मेड प्लांट्स मतलब अपनी मर्जी से हमें जो जो चीजें चाहिए ना वो डाल देते हैं टेलर मेड प्लांट्स बना पा रहे हैं हम हमें जो जो चीज़ चाहिए ना मतलब मेरे को हाई यील्डिंग चाहिए मिल गया मेरे को आ, हीट रेजिस्टेंट चाहिए मुझे मिल गया मुझे डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए मुझे मिल गया मैं अपनी मर्ज़ी से प्लांट बना पा रही हूँ उसको बोलते हैं टेलर मेड प्लांट तो तुम तुम्हारी जो वाइल्ड इमेजिनेशन है वो घूम रही होगी कि भाई इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं बना सकते हैं ठीक है बना सकते हैं है। है, बट भाई इंसानों के साथ ये नहीं करना दैट इज़ नॉट अलाउड दैट इज़ नॉट अलाउड डन इतनी बात क्लियर हुई हमने देख लिया कि किस किस तरह से अपने जीएमओ बड़े इंपॉर्टेंट है अब इसके एग्जाम्पल करेंगे ठीक है अब इसके एग्जाम्पल करेंगे बच्चों बीटी कॉटन पे आ जाओ ठीक है नाउ विल स्टार्ट विद बीटी कॉटन अब हम बीटी कॉटन शुरू करते हैं बी कॉटन ठीक है अब बीटी कॉटन क्या है बीटी कॉटन एक आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है व्हाट इज दिस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ओके दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट टेलर मेड का क्या मतलब होता है टेलर मेड क्या होगा बच्चों आप टेलर के पास जाते हो अपनी मर्जी से अपना कपड़ा सिलवाते हो या नहीं सिलवाते हो रेडीमेड और टेलर मेड में क्या फर्क होता है रेडीमेड तो आपको बना बनाया मिलेगा जैसा है वैसा ही मिलेगा टेलर मेड में तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर फूल लगा देना ठीक है uh, यहाँ पे इसको थोड़ा स्लीवलेस कर देना या पूरी स्लीव बना देना तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना वो काम तो इसीलिए उसी को बोलते हैं हम टेलर मेड प्लांट राइट right? तो एक टेलर मेड प्लांट हमने बनाया जिसको हमने नाम दिया बीटी कॉटन बीटी कॉटन क्या है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में सिर्फ बीटी कॉटन नहीं है आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि बीटी कॉर्न बीटी राइस टमेटो पटेटो बीटी सोयाबीन आपके पास बहुत सारे बीटी ब्रिंजल भी है बीटी ब्रिंजल सबसे पहले बनाया गया था बीटी ब्रिंजल सबसे पहले बनाया गया था लेकिन इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या हुआ था बीटी कॉटन ठीक है क्या हुआ था बीटी कॉटन हुआ था अब बीटी कॉटन का नाम बीटी क्यों रखा भाई बीटी इसलिए रखा क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से मिलता है इसको एक्चुअली बैक्टीरियम लिखना चाहिए हमें बैक्टीरियम बैक्टीरियम का नाम क्या है बैसिलस थूरीजियंसिस बच्चों बी एंटी बैसिलस थूरीजियंसिस कहाँ मिलता है मुझे सॉइल में मिलता है मिट्टी में मिलता है मिट्टी के अंदर होता है ये बैक्टीरिया अब तुम सोचोगे कि मैम हम ये हमें कैसे पता चला कि ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर है और ये इंसेक्ट को मार सकता है भाई साइंटिस्ट लोग का यही काम होता है सारा दिन मिट्टी के अंदर पानी के अंदर ठीक है ऐसी जगहों में कि भाई जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते कि बैक्टीरिया मिल भी सकता है वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके लाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है इसका क्या फ़ायदा है इससे क्या हेल्प हो सकती है ह्यूमन बींग की नाउ बेसिलस थ्यूरीजियंसिस क्या करता था मार देता था पेस्ट को कौन से पेस्ट को मार देता था कौन से इंसेक्ट को मार देता था फॉर एग्जाम्पल बच्चों बीटल्स को मार सकता है ये विच आर पार्ट ऑफ कॉलियोटेरेंट ये आपको पता होना चाहिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मैच द कॉलम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बताइए बीटल किसका एग्जाम्पल है कॉलियोटेरेंस का ठीक है टोबैको बड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म किसका एग्जाम्पल है लेपिडोटेरेंस का फ्लाइज मॉस्किटो किसका एग्जाम्पल है डिप्टेरेंस का यू शुड नो दिस यू शुड नो दिस यस ये आपको पता होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए हाँ जी ठीक है चलो यस yes, यस yes, यस yes. ठीक है बच्चों बीटल्स किस में आ जाएंगे कॉलियर टेरेंस में आ जाएंगे टोबैको बड एंड आर्मी वॉर्म कहाँ आ जाएगा कहाँ आ जाएगा तुम्हारा लिपिडोटेरेंस में आ जाएगा मक्खी मच्छर कहाँ आ जाएंगे डाइट टेरे, डिप्टेरेंस में आ जाएंगे प्लीज ये आपको याद रखना है <laughs> अब बीटी कॉटन की कहानी मेरी जुबानी ओके okay. तुम्हें पता चल गया किससे मिल रहा है बैसिलस थ्रीजियंसिस से मिल रहा है विच इज अ बैक्टीरिया कहां है सॉइल कहा के अंदर है ये इसके पास ऐसी क्या चीज है जिससे ये आ, इंसेक्ट को मार पाता है ऐसी क्या चीज है चलो लिखे बी कॉटन किससे मिला था बैसिलस थ्रीजियंसिस से बैसिलस लिखो आप लिखो बैसिलस थ्रीजियंस थ्रीजियंस ओके बेटी का मतलब है बेसिलसूरीजेंसिस ये जो आपका बैक्टीरिया है ना एक इसकी लाइफ में ना एक ऐसा ग्रोथ फेज आता है जिसमें ये बनाता है एक केमिकल एक प्रोटीन सो दिस इज गोइंग टू मेक अ प्रोटीन एक एक स्टेज आता है इसकी लाइफ में ठीक है जहां पर ये एक प्रोटीन बना सकता है ओके okay? एक प्रोटीन बना सकता है सो दिस कोड्स फॉर कोड्स फॉर बी टी टॉक्सिन इसको हम बोलते हैं बी टी टॉक्सिन क्या बोलते हैं बच्चों इसको इसको हम बोलते बी टी टॉक्सिन क्या बोला जाता है बी टी टॉक्सिन बोला जाता है ये ये बना रहा बी टी टॉक्सिन क्या है इज नथिंग जस्ट अ प्रोटीन इट इज अ प्रोटीन ये क्या है ये एक प्रोटीन ही है ये क्या है दिस इज अ प्रोटीन ये एक प्रोटीन है जो ये बना रहा है ये प्रोटीन बड़ा खतरनाक है लेकिन ये प्रोटीन इसको नहीं मारता क्यों नहीं माता बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में बी टॉक्सिन प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म उसको क्या बोलेंगे प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चों प्रोटॉक्सिन बोलते हैं ठीक है यस यू कैन से इनएक्टिव टॉक्सिन बोल सकते हो मैं लिख रही हूं अभी प्रेजेंट इन प्रेजेंट एज इनएक्टिव टॉक्सिन और हम उसको क्या बोलते हैं वी कॉल इट वी कॉल इट प्रोटॉक्सिन प्रोटो नहीं प्रो ठीक है प्रोटॉक्सिन बोला जाता है प्रोटोटॉक्सिन लिख देना कई बच्चे प्रोटोटॉक्सिन लिखते हैं इट इज प्रोटॉक्सिन एंड दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स किस फॉर्म में क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एज क्रिस्टल्स ठीक है किसके प्रोटीन के क्रिस्टल बन गए इसीलिए इसको क्या बोला जाता है क्राइजीन बोला जाता है रोने वाला नहीं रोने वाला नहीं क्रिस्टल वाला क्राइजीन कौन से वाला क्राइजीन cry क्रिस्टल वाला क्राइजीन ठीक है रोने वाला नहीं रोने वाला नहीं है तो यहीं से हमने क्राइजीन निकाला यहीं से हमने क्या निकाला क्राइजीन अब फिर से सुनो जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता बीटी टॉक्सिन या बीटी कॉटन के बारे में समझ लो एक बैक्टीरिया था वो एक स्पेशल तरह का जीन था उसके पास जिसको हमने क्राइजीन बोला ठीक है जिसको हमने क्या बोला क्राइजीन बोला यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ बच्चे बेसिलसूरी जेंसेस आई विल राइट वन मोर थिंग इट हैज अ स्पेशल सोर्स ऑफ यू राइट सोर्स ऑफ क्राइजीन ठीक है ये भी लिख लो और इसी क्राइजीन से क्या बनेगा तुम्हारा बीटी टॉक्सिन बनेगा इसी क्राइजीन से क्या बनेगा बीटी टॉक्सिन में तुम्हारे पास एक स्पेशल जीन था क्राइजीन बोला उसको उसने क्या बनाया प्रोटीन बनाया उसको क्या बोला बीटी टॉक्सिन बोला ये जो टॉक्सिन होता है वो इनेक्टिव फॉर्म में होता है किस फॉर्म में होता है इनेक्टिव फॉर्म में उसको हमने क्या बोल दिया प्रोटॉक्सिन बोल दिया प्रोटॉक्सिन दिया किस फॉर्म में प्रेजेंट है क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्रिस्टल्स की फॉर्म में अब ये खुद को इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं करता इसलिए नहीं मारता है क्योंकि ये क्रिस्टल उसके अंदर नहीं घुलते इन क्रिस्टल्स को बच्चों घुलना पड़ेगा पहले तभी ये इफेक्टिव होते हैं ठीक है अगर ये क्रिस्टल की फॉर्म में रहेंगे तो इफेक्टिव नहीं होंगे ना 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 ना, फिर इफेक्टिव नहीं होंगे, तो उसको घोलने के लिए मुझे प, पता है कैसा मीडियम चाहिए होता है एल्कलाइन चाहिए होता है या एसिडिक चाहिए होता है बताओ यस yes. यस yes. बोलो 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 <coughs> बोलो एल्कलाइन चाहिए, चाहिए होता है या एसिडिक चाहिए होता है बोलो जी थोरिन ये लो अब ठीक है फटाफट से बताओ एल्कलाइन या एसिडिक एल्कलाइन पी एच चाहिए होता है बच्चों इसके एल्कलाइन पीएच और एल्कलाइन पी एच ना बैक्टीरिया के पास नहीं होता उसके पास एल्कलाइन नहीं होता इसलिए ये ना क्रिस्टल की फॉर्म में ही रहता है तो एल्कलाइन पीएच कम मिलता है जब इसको इंसेक्ट खाने आ जाता है जब इसको इंसेक्ट खाने आता है ना तो उसको क्या मिल जाता है एल्कलाइन पी मिल जाता है और ये घुल जाता है क्या हो जाता है घुल जाता है एक और चीज तुम्हारी बुक में लिखी है, Endo क्या होता है बच्चे जो अंदर बना रहा है बाहर नहीं रिलीज कर रहा है इसको जो अंदर ही रह रहा है बैक्टीरिया के वो उसको बाहर नहीं बैक्टीरिया ये नहीं कर रहा कि उसने बना लिया और फिर वो बाहर उसको रिलीज कर रहा है सिक्रीट करा है नहीं ये टॉक्सिन उसके अंदर ही रहता है दिस इज एंडोटॉक्सिन डन दिस इज एंडोटॉक्सिन समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो यार देखो समझ में आ रही है ना चीजें तो सेशन को लाइक कर दो ठीक है तो सेशन को लाइक कर दो बच्चों अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है ना तो सेशन को प्लीज लाइक कर दो हांजी हैं जी हैं जी हैं जी, हां जी? एक सेकेंड यस मेरा फोन को ना साइलेंट पे करने दो इधर उधर की आवाजें आ रही है मुझे यस ठीक है हाँ जी समझ में आया तो बता दो क्लियर चलो अब देखते हैं भाई एग्जैक्टली कैसे काम करने वाला है सीक्वेंस क्या होगा आपकी इवेंट्स कैसे होने वाली है आपका जो इंसेक्ट है बेचारा कीड़ा मरने कैसे वाला है ठीक है कीड़ा मरने कैसे वाला है ठीक है ओके okay, चलो देखते हैं ओके okay, आ जाओ <laughs> कीड़ा कैसे मरेगा बेचा लेट लेट सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेट अस सी नाउ क्राइजीन जो आपका क्राई जीन था ना कहा था फ्रॉम फ्रॉम ठीक है क्राई जीन बी टी तुमने लिया तुमने ये जीन ले लिया बच्चे ये जीन ले लिया बीटी कॉटन जो आपका कॉटन था ना कॉटन को क्या करता था कॉटन का एक कीड़ा होता था कॉटन बॉल वो उसको खा जाता था उसकी जो पैदावार थी बड़ी कम होती थी क्योंकि वो खा जाता था फ्रूट भी नहीं बनने देता था उसको खा जाता था उसके जो बॉल्स होते थे उसको खा खा जाता था तो हमने क्या करा हमने ये जीन लिया बीटी का बीटी से ये जीन निकाला क्राइजीन निकाला उसको कहाँ डाल दिया उसको हमने डाल दिया कॉटन में ठीक है उसको हम कॉटन में डालेंगे बच्चे कॉटन में कैसे डालेंगे अच्छा वी विल यूज विच विच ऑर्गेनिज्म कौन सा कौन सा बैक्टीरिया यूज करोगे बच्चों क्योंकि मैं प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर रही हूं तो हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करेंगे यस yes. Hmm? ये देखो यहाँ पे प्राची मैम मैम इमेजिन इन ट्वेंटी थर्टी सम वन आस्क हु वॉज टीचर विद ब्लू आई ब्रोज वॉट विल बी योर रिप्लाई आई डो नॉट केयर यार आई डो नॉट केयर तुम्हें लगता है कि अगर मेरे को पता हो कि इसको कैसे चेंज करना है भाई अपनी आईब्रोज ब्लू करके कौन आएगा एक बात बता दो तो. हैं कौन आएगा आएगा क्या, क्या कोई ऐसा <laughs> तो तुम्हें लग मतलब मैं क्या मतलब मुझे एलियन लगना बड़ा अच्छा लग रहा है क्या कैसी बातें करते हो तुम तो लोग हाँ, क्योंकि मैं प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ वी विल बी यूजिंग वी विल बी यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम ठीक है ना हाँ चलो क्या बातें करते हो यार तुम तो? हाँ क्या बातें करते हो चलो क्राइटीन निकाला बीटी से ठीक है इसको कहाँ डाल देंगे बच्चे हम कॉटन के प्लांट में डाल देंगे ठीक है कॉटन के प्लांट में डाएंगे जब कॉटन के प्लांट को बॉलवाम आके खाएगा ना ठीक है कॉटन के प्लांट को बॉल आके खाएगा ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीटी कॉटन बीटी कॉटन में हमने ये डाल दिया ओके okay? अब बीटी कॉटन के सेल में भी क्या बनने लग जाएगा प्रोटॉक्सिन बनने लग जाएगा बीटी कॉटन के सेल्स में भी क्या बनेगा इट विल आल्सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट विल आल्सो स्टार्ट फॉर्मिंग प्रोटॉक्सिन इसमें भी क्या बनेगा प्रोटॉक्सिन बनना शुरू हो जाएगा बन गया इसको कौन खाएगा आके इसको आके कौन खाने वाला है इसको आके खाएगा तुम्हारा वो कीड़ा बॉलवॉर्म इनजेस्टेड बाय बॉलवॉम खा लिया अब क्या होगा इस बॉलवॉम के गट में पीएच कैसा मिलेगा alkaline मिलेगा अल्कलाइन पीएच पीएच मिला इसके गट में क्या मिला मिला पीएच अब इस अल्कलाइन पीएच की वजह से जो मेरा जो मेरे क्रिस्टल थे वो क्या क्या होंगे घुल जाएंगे ठीक है अल्कलाइन पीएच इन मिड गट मिड गट ऑफ ऑफ इनसेक्ट सोल्यूबिलाइजेज सोल्यूबिलाइज सोल्यूबिलाइजेज द प्रोटीन क्रिस्टल मेरी प्रोटीन के क्रिस्टल घुल गए जैसे चीनी है ना बच्चे चीनी डब्बे के अंदर रखी है मीठी नहीं लगेगी है ना चीनी अगर डब्बे के अंदर रखी हुई है तो कैसे घुलेगी नहीं घुलेगी ना अब चीनी पानी के अंदर आई तो ही घुलेगी चीनी पानी के अंदर आई तभी तो घुलेगी डब्बे के अंदर तो नहीं घुल पाएगी ना तो ऐसे ही एल्केलाइन पीएच में ये वाले क्रिस्टल्स आपके घुल गए जैसे क्रिस्टल घुलते हैं आपका आपका जो यहाँ पे था जो टॉक्सिन था वो क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन ठीक है एक्टिव हो गया और जैसे ये एक्टिव होता है ये बेचारा जो कीड़ा है ना उसके पेट में छेद करने शुरू कर देता है सो इट क्रिएट्स पोर्स क्रिएट्स पोर्स इन मिडगट मिडगट एपिथिलियल सेल्स छेद हो जाते हैं ठीक है पोर्स हो जाएंगे छोटे छोटे पोर्स बन गए और उससे क्या होता है स्वेलिंग हो जाएगी स्वेलिंग हो जाएगी स्वेलिंग ऑफ मिडगट मिडगट बच्चे एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा जो आपका लाइनिंग थी ना वो टूट जाएगी ठीक है मिडगट एंड लाइसिस लाइसिस मतलब टूट जाना ब्रेक हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा एंड इसकी वजह से क्या होगा डेथ ऑफ इंसेक्ट डेथ आई एम सॉरी ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा मर गया मर गया ठीक है मर गया क्या हुआ हमने ये जीन निकाला था क्राई जीन निकाला था बीटी कॉटन बनाया था बीटी कॉटन में भी प्रोटॉक्सिन बनने लग गया ठीक है फिर आपका कीड़ा आके खाया इसको बॉल वॉम ने आके इसको खाया एंड देन एल्कलाइन पी की वजह से वो घुल गया सॉल्यूबिलाईज हो गया एंड बच्चे उसकी वजह से आपका जो टॉक्सिन था वो एक्टिव हो गया एक्टिव हो गया उसकी वजह से क्या हुआ उसने पोर्स क्रिएट करने शुरू कर दिए एंड उसकी वजह से स्वेलिंग हो गई टूटने शुरू हो गई आपकी वॉल और वॉल टूटेगी तो इंसेक्ट मर जाएगा डेथ हो जाएगी अब हमने कोई इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करा हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करा लेकिन वी टुक केयर ऑफ द बॉल वॉम हमने बॉल वॉम को जड़ से खत्म कर दिया क्या ये बात सबको समझ में आई फटाफट से बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों कम कम ऑन ऑन कम ऑन लेट मी नो लेट मी नो लेट मी नो यस येस जी ओके ठीक है चलो मर गया बिल्कुल मर गया अब वो तो मर गया वो तो मर गया लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जीन अगर हम प्लांट के अंदर डालते हैं तो वो किस किस कीड़े को मार सकती है ठीक है सो द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन द टारगेट पेस्ट तो अगर मैं बोलूं चॉइस ऑफ जीन एक तरफ मैं लिखूँ चॉइस ऑफ जीन दूसरी तरफ मैं लिखूँ टारगेट पेस्ट ठीक है जी तो देखो अब अगर मैं जीन यूज़ कर रही हूँ देखो ये बड़ा ध्यान से करना है ये बड़ा आ जाता है क्वेश्चन अगर मैं जीन यूज़ कर रही हूँ क्राई क्राई मतलब वही क्रिस्टल वाला जीन वन ए सी अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ इट इज़ स्मॉल है ना इट इज़ स्मॉल अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ एंड बच्चे अगर मैं यूज़ कर रही हूँ क्राई क्राई टू ए बी दैट मीन्स आई एम गोइंग टू किल मैं किसको मारने वाली हूँ कॉटन बॉल वॉम को मारने वाली हूँ किसको मारने वाली हूँ कॉटन बॉल को मारने वाली हूं यस आई विल कंप्लीट पूरी की पूरी बायोलॉजी मैं पूरी बायोलॉजी करवाने वाली हूँ डरने की बात नहीं है बॉटनी uh, बॉटनीजी सब कुछ करवाने वाली हूँ ठीक है जी ओके okay? ये बात होगी दूसरी चीज दूसरा जो आपका जीन था वो क्या था क्राई वन ए बी है ना ये किसको मार देगा ये मार देगा कॉर्न बोरर को ये किसको मारेगा कॉर्न बोरर को मार देगा ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये प्लीज याद रखें ना ठीक है ये दोनों की दोनों चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लीज ये याद रखना कि क्राई वन ए सी टू ए बी मारेगा कॉटन बॉलवॉर्म को मारेगा क्राई वन ए बी मारेगा कॉर्न बोरर को मार देगा ठीक है क्लियर 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 यस 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 ओके चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम अब हम बात करेंगे मिलाइडो गाइनी की दूसरा एक और हम क्रॉप बनाएंगे विच इज ऑल्सो पेस्ट रेजिस्टेंट ठीक है एक बनाई पेस्ट रेजिस्टेंट जिसमें हमने बीटी कॉटन पढ़ा एक और बनाएंगे जिसमें बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट द दमोटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लेट यहां पे हम आर एन इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम जीन साइलेंसिंग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम एंटी सेंस टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं ठीक है ओके चलो पढ़ें आगे बड़े तो ये जो एक शैतान कीड़ा है ना जिसको बोला जाता है मेलोइडोगी इनकॉगनीटिया ये बड़ा ही शैतान कीड़ा है अब ये जो शैतान कीड़ा है ये क्या करता है ये रूट्स को इन्फेक्ट कर देता है किसके तंबाकू के ठीक है इसने बहुत ही सोच समझ के अपना प्लांट सिलेक्ट करा है इसने बहुत ही सोच समझ के अपना प्लांट सिलेक्ट करा है कि भाई मेरे को कोई नहीं चाहिए मैं नीम का प्लांट नहीं देखूंगा मैं कोई ना मटर का प्लांट नहीं देखूंगा मेरे को चाहिए तंबाकू तो तुम देख रहे हो इसके भी सस्ते नशे हैं इसके भी सस्ते नशे हैं ये कीड़ा भी कम नहीं है इसने भी बट आई वुड से कि बहुत अच्छी बात है इस कीड़े ने अगर ये वाली क्रॉप को नुकसान पहुंचाया मैं तो बोलती हूँ ये हमने जो इन आ, ये पेस्ट रेजिस्टेंट डिज आ, प्लांट बनाया उसको बनाने की जरूरत भी नहीं थी अच्छी बात है ना तम्बाकू का जो सेवन है वो भी खत्म होता आई थिंक मुझे लगता है ये भगवान का भेजा हुआ वरदान था आई थिंक भगवान का भेजा हुआ वरदान था मिलोइडो गाइनी जिसको हमने मार दिया बेचारे को भगवान ने ट्राई तो करा था कि इंसान को स्मोकिंग से बचाते हैं लेकिन हम कुछ कम थोड़ी ना हम तो कम नहीं है हमने इसी को बेचारे को साइड लगा दिया है ना चल सो मिलाई दो गाइनी इनकॉग्निटिया ये क्या करता है इन्फेक्ट कर देता है रूट को अच्छा कौन सी डिजीज कॉज करता है ये रूट नॉट्स बना देता है बच्चे ये क्या करता है रूट नॉट्स बना देता है रूट्स नॉट बना देता है मतलब गांठे बढ़ जाती है जो तुम्हारी रूट है ना ऐसे ये तुम्हारी रूट है ऐसे बड़ी बढ़िया सुंदर सी दिख रही है ये ऐसी नहीं दिखती इसमें ऐसे ऐसे करके इस तरीके से डिजीज हो जाती है और ये रूट नॉड्यूल्स नहीं है नॉड्यूल्स अलग होते हैं ये डिजीज वाला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कीड़ा ग्रो कर गया ये डिजीज वाला है ओके ये काम करता है ये अब उसकी वजह से तम्बाकू का सारा का सारा जो था वो सब खराब होने लग गया ठीक है चलो ओके हाँ अब ये देखो मैम वाई बी टी इट्स सेल्फ नॉट किल वाई टॉक्सिन भाई क्योंकि जो जो बैक्टीरिया बे, बैक्टीरिया के पास कहाँ होता है एल्कलाइन पी एच कितनी बार बताया एल्कलाइन पी एच चाहिए होता है तुम्हें उस चीज़ को घोलने के लिए क्रिस्टल्स को घोलने के लिए यू नीड एल्कलाइन पी एच इसलिए नहीं मरता <laughs> चलो आ जाओ आगे बढ़े तो भाई इसको बनाने के लिए इसके अगेंस्ट जो हमने एक प्लांट बनाया उसको बनाने के लिए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी हमने यूज करी आर एन ए इंटरफेरेंस तो आर एन ए इंटरफेरेंस क्या होता है पहले तो ये समझ लो आर एन ए इंटरफेरेंस और मैं इसको बिल्कुल जितना एनसीआरटी में दिया उतना ही पढ़ाने वाली हूं इंटरफेरेंस ठीक है आर एन ए इंटरफेरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं आर एन ए आई भी बोल दिया जाता है आई या फिर इसको जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं बच्चे इसको जीन साइलेंसिंग भी बोला जाता है ठीक है इसको एंटीसेंस uh, टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इसको और क्या बोला जाता है एंटीसेंस एंटी सेंस टेक्नोलॉजी भी इसको बोला जाता है अब आर एन ए इंटरफेरेंस में क्या होगा आर एन ए इंटरफेरेंस में ये होता है पहले तो तुम मेरी एक बात समझो यहां पे मान लीजिए ये कारण्य है मान लो मानना पड़ेगा तुम्हें मानो ये है एक आरण्य ठीक है ये कारण्य है बच्चों आरएनए क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है अब इस आरएनए के ऊपर इस आरएनए का क्या काम है प्रोटीन बनाना लेकिन अगर मैं इस आरएनए को अगर मैं इस आरएनए को, को क्या बोलते हैं ढक दूं, ठीक है ऐसे करके इसको कवर कर दू इस तरीके से क्या ये प्रोटीन बना पाएगा इसकी जो इसकी जो ये सीक्वेंस लेकर आया था उसको तो, तो तुमने मास्क कर दिया क्या ये प्रोटीन बना पाएगा बोलो क्या ये अब प्रोटीन बना पाएगा मैसेंजर नहीं आपका आपने मैसेंजर ने को क्या करा चुप करा दिया साइलेंट कर दिया कोई बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है नहीं बोल पाएगा ना नहीं बोल पाएगा ना आपने उसको क्या कर दिया चुप करा दिया साइलेंट हो गया वो बेचारा यही हम करने वाले हैं इन इन आर एन इंटरफेरेंस यही होने वाला है आर एन इंटरफेरेंस ठीक है हाँ जी यहाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं होने वाला है यहाँ कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने वाला है सो नो ट्रांसलेशन नो प्रोटीन सिंथेसिस दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन आरएनए इंटरफेरेंस ओके चलो बोलती बंद हाँ एक पीएचडी काफ़ी है एक क्लास में बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ना हाँ नाउ इतनी बात समझ में आई कि आर एन इंटरफेरेंस में क्या होने वाला है लेकिन ये कैसे शुरू होता है कैसे इनिशिएट होता है वो देख लेते हैं ठीक है वो देख लेते हैं इसमें क्या हो गया हम साइलेंट कर देंगे मैसेंजर आर को सो दिस इज बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आर ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया लेकिन ट्रांसलेशन हम नहीं होने देंगे किसके ऊपर बेस्ड है बेस्ड ऑन अरे एक मिनट पेन पतला लेने दो बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग साइलेंसिंग ऑफ मैसेंजर आर एन ए ठीक है मतलब इसका मतलब ये है कि भाई आपका बच्चों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ था मैसेंजर आर एन तो बन चुका है लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा देखेंगे क्यों नहीं कर पाएगा देखेंगे क्योंकि हमने इसको साइलेंट कर देंगे चुप करवा देंगे ठीक इसी है इसीलिए ना आर एन ए इंटरफरेंस आपके बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है आपके बॉडी में ना अगर डबल स्टैंडर्ड आर दिख गया ना आपकी बॉडी को तो आर इंटरफेरेंस शुरू कर देती है क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आर नहीं होना चाहिए तुम्हारी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड आर अगर हुआ इसका मतलब है गड़बड़ है इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है इसका मतलब कोई पैथोजन घूम रहा है या फिर अपने बॉडी में कुछ गड़बड़ चढ़ रही है तो क्या करती है तुम्हारी बॉडी शुरू कर देती है आर इंटरफेरेंस ये कौन दिखाते हैं यू दिखाते हैं सो दिस इज सेलुलर डिफेंस सीन इन ऑल यू कैरियॉर्स आर इंटरफेरेंस क्या है बच्चे सेलुलर डिफेंस सेल्युलर डिफेंस इन ऑल यू सारे के सारे यू कैरियॉट्स ये शो करते हैं क्यों शो करते हैं जैसे ही आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाना ये शुरू हो जाएगा और ये कब इनिशिएट होता है इनिशिएटेड व्हेन देयर इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आई एम सो सॉरी डीएनए बोल दिया मैंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर दिख गया ना तुम्हारी बॉडी में तो आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा अच्छा और इसके सोर्सेस क्या हैं ये किस किस कारण से बन सकता है किस कारण से बन सकता है सोर्सेस क्या हैं क्या-क्या चीजें हैं जो तुम्हारी बॉडी में अगर चली गईं तो आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा नंबर 1 नंबर 1 वायरस ठीक है वायरस विद आर एन ए जिनोम जिसके पास आर एन ए होगा ना वो वाला वायरस अगर मेरे बॉडी में आ गया तो मतलब मेरा बॉडी आर एन ए इंटरफेरेंस शुरू कर देगा ठीक है कर देगा दूसरी चीज <coughs> दूसरा बच्चे क्या दूसरा है मेरी ही अपनी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो जाए जैसे कि गड़बड़ कैसी हो जाए मेरी बॉडी में ट्रांसपोजोन्स मिल जाए ठीक है ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं दे आर ऑल्सो नोन है जंपिंग जीन्स तुम्हारे कुछ जीन्स क्या करते हैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं या फिर कॉपी हो जाता है तो तुम उसको क्या बोलते हो जंपिंग जीन्स कि अभी तो यहां था कल तो यहां था कुछ दिनों के बाद यहां पहुंच गया ये कैसे हुआ सो यस दे कैन चेंज देयर पोजिशन वो क्या करते हैं एक जो एक आपका एक सीक्वेंस है वो वहां से कट जाएगा कट होगा उठेगा दूसरे कहीं जाके पार्ट पे जाके अटैच हो जाएगा सो so, क्या करते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं जंपिंग जीन्स या फिर ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं मोबाइल मोबाइल जेनेटिक अच्छा ये क्वेश्चन भी आ चुका है तुम्हारा पीवा क्यों है जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं बोलते हैं या फिर जंपिंग जीन्स भी इन्हीं को बोला जाता है ठीक है इन्हीं को बोला जाता है जब ये एनकाउंटर हो जाएगा अगर ऐसा कुछ तुम्हारी बॉडी में मिल गया ना आर एन इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा ओके okay? अब हमने क्या करा अब हम अब सीक्वेंस देखें जरा क्या होगा अब इसमें भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं क्या होगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहां क्या होगा जैसे बीटी कॉटन में देखा तो यहां पे भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा यहां पे भी देखेंगे है ना हाँ यहां पे भी देखेंगे राइट right? नोट्स बच्चे आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे डॉक्टर गार्गी सिंह उधर मिल जाएंगे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे और कल ना इसका टेस्ट भी लेने वाली हूँ मैं तीन बजे वो भी जरूर अटेंड करना है डू नॉट मिस दैट ओके वो भी जरूर अटेंड करना है नाउ नेक्स्ट थिंग इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अब यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो भाई देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं अपना जो मेरा प्लांट है टोबैको का प्लांट है उसको क्या कर लूंगी उसको ट्रांसजेनिक बना लूँगी कैसे बनाऊँगी तुम मुझे बताओगे कौन सा प्लाज कौन सा वेक्टर यूज करूँगी हमने क्या करा नेमेटोड के ही बच्चे जीन निकाले नेमेटोड के ही जीन निकाले वेरी इंपॉर्टेंट नेमेटोड स्पेसिफिक जीन हमने निकाले ठीक है मैं बहुत एनसीईआरटी बेस्ड ही करवा रही हूं उस चीज को इधर उधर नहीं जा रही हूं नहीं तो मैं आरएनए इंटरफेरेंस पे आधा घंटा लगा सकती हूं आधा क्या 45 फाइव एक घंटा भी लगा सकती हूँ ये इतना बढ़िया टॉपिक है बट मैं सिर्फ जो एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना तुम्हें करवाने वाली हूं ओके चलो यस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन हमने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एग्रोबैक्टीरियम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन हमने लिए ओके okay? अब इन जीन को कहाँ डाल दिया कहाँ डाला ये जीन को हमने डाल दिया बच्चे टोबैको में टोबैको में डाल दिया डाल दिया टोबैको में किसके यूज से कौन सा तुमने वेक्टर यूज करा था इसको मैं थोड़ा सा इधर डाल देती हूं ंग विच वैक्टर यू यूज एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर यहां पर लिखो ना फिर टी आई प्लाज्मिड किसका टी आई प्लाजमिट कहां पढ़ा था तुमने कहा पढ़ा था दिस इज वैक्टर दिस इज योर वैक्टर ऑफ एग्रो बैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है टू मी फेसियंस टू मी फेसियंस ठीक है जी ओके okay. हो गया टबैको में तुमने डाल दिया चला गया इस तरह से हमने जीन्स को अरेंज करा कि जब टबैको के अंदर वो जीन्स जाएं जो हमने ये नेमोटेड निमिटोड स्पेसिफिक जीन लिए थे कि वो ना डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बनाए तो हमने क्या करा बच्चों ये वाली बात थोड़ा ध्यान से सुनो हमने इस तरह से डीएनए लिया हमने इस तरह का डीएनए लिया कि वो डीएनए ना सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए नहीं बनाएगा वो डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बना रहा है क्या कर रहा है हमारा जो डीएनए वो स्पेशल है ठीक है इसके अंदर जो तुमने डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया वो एक स्पेशल डीएनए है जो सिंगल स्टैंडर्ड आर नहीं बनाएगा डबल स्टैंडर्ड बनाएगा क्यों क्योंकि हम चाहते हैं आर एन इंटरफेरेंस शुरू हो जाए क्योंकि हम नेमेटोड को मारना चाहते हैं जब नेमेटोड आके तुम्हारे टबैको को खाएगा तो उसके अंदर भी वो डबल स्टैंडर्ड आर चले जाएंगे ना चले जाएंगे ना और फिर क्या शुरू हो जाएगा आर एन इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा इसलिए हमने ये सब करा इसलिए ये सब करा है. चलो टेको आ गया अब तबैको में ये जो आपका जीन था वो क्या करेगा बच्चों सेंस भी बनाएगा और एंटी सेंस आर एन ए भी बनाएगा दोनों स्ट्रैंड बनाएगा ये क्या करेगा सेंस स्ट्रैंड भी बनाया और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाया ठीक है दोनों स्ट्रैंड बना दिए दोनों स्ट्रैंड और दोनों स्ट्रैंड बनते नहीं है एक ही स्ट्रैंड बनता है एक ही स्ट्रैंड बनता है अब क्या करोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप बच्चे ये होगा कि नेमेटोड आके फीड करेगा तुम्हारे प्लांट के ऊपर प्लांट के ऊपर फीड करेगा अब दो डबल uh, आरएनए को देखकर आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा क्या होगा आपके पास क्या बन गया डबल स्टैंड आरएनए बन गया तो क्या इनिशिएट हो जाएगा क्या इनिशिएट हो जाएगा आर इंटरफेरेंस इनिशिएट हो जाएगा initiates RNA फेरेंस शुरू हो गया ओके अब आर एन इंटरफेरेंस एक बार शुरू हो गया ना तो ये क्या करेगा वही जो नेमोटोड का मैसेंजर आ रहे हैं ना बच्चों उसके ऊपर तुम्हारा एंटी सेंस वाला जाके लग जाएगा और उसके RNA को कर देगा यूजलेस उसके आरएनए को क्या कर देगा यूजलेस कर जाएगा क्या करेंगे तुम्हारी बुक में इतना नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही हूं तुम्हें क्या होगा ना कि जो एंटी सेंस वाला तो इसका भी खत्म हो जाएगा एंटी सेंस, एंटी सेंस ट्रेंड क्या करेगा साइलेंट कर देगा ठीक है साइलेंट कर देगा नेमेटोड के मैसेंजर आ रहे ट्रेंड साइलेंट नेमेटोड मैसेंजर आरेने। अब निमोड का मैसेंजर आर ए प्रोटीन नहीं बना सकता मैसेंजर कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन भाई ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा ठीक है अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्या बच्चों आप आपका अगर कोई जीन आप अगर आपके जीन एक्सप्रेस करना बंद कर दे आपका डीएनए आरएनए बना रहा है लेकिन आरएनए बोल रहा है कि मैं प्रोटीन नहीं बनाऊंगा इसके बाद क्या आप सरवाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे तुम्हारी तो एक एक चीज़ एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट है छोटे से छोटा रिएक्शन तुम्हारी बॉडी का तुम कैसे जियोगे मर जाओगे भाई ये भी मर जाता है ठीक है जब इसके मैसेंजर आरएनए ने, ने ऐसे बोल दिया ना कि नहीं 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 मैं काम नहीं करूंगा ये बेचारा भी मर जाएगा ठीक है इससे क्या होगा ये भी मर जाएगा इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से जो आपका प्रोटेक्शन ट्रिगर हुआ उसकी वजह से बेचारा जो नेमेटोड है इट के नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन नाउ एंड देन विच लीड टू द डेथ ऑफ नेमेटोड मर गया खत्म हो गया बेचारा खत्म हो गया खल्लास हो गया ठीक है तो टोट मर गया ये वाली बात सबको समझ में आई बताओ मुझे फटाफट से बताओ मैं स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी टी तुम्हें पढ़ा रही हूं क्योंकि बाहर से आना भी नहीं है बोलो क्या ये बात समझ में आई मर तो गया बेचारा मर तो गया तुम मुझे बताओ तुम्हें समझ में आई तुम्हारे दिमाग में गया या नहीं गए <laughs> हे भगवान ठीक है चलो डन डन ओके ये जो तुम्हारा है था ना चलिए जी ठीक थी, है टपक गया बिल्कुल टपक गया तो क्या करा कुछ भी नहीं करा वैसे तो बहुत कुछ करा बहुत मेहनत तो लगी इसको मारने में क्या करा हमने नेमेटोड के ही जीन ले लिए बच्चे नेमेटोड के जीन क्यों लिए क्योंकि अगर आप उसके आर एन ए को चुप कराना चाह रहे हो ना तो उसके आर एन ए वाला सीक्वेंस तो उसी के पास होगा ना इसलिए हमने उसी के जीन लिए थे है ना हम ऐसे रैंडम जीन नहीं ले सकते अच्छा चलो इंसान के जीन लेके नेमेटोड के आर एन ए को चुप कराते नहीं भाई उसका जो आर एन ए है उसके पास क्या सीक्वेंस है वो तो उसी के पास होगा ना इसलिए उसी से तो हमारा ये एंटी सेंस वाला स्ट्रैंड बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा इसलिए कुछ बच्चे सोचते हुए कि मैम हमने नैमेटोड को मारने के लिए नेमेटोड के ही जीन क्यों लिए क्योंकि बच्चे आप आर एन ए को चुप करा रहे हो मास्क करा रहे हो उसका जीन तो उसी के पास होगा ना उसके सीक्वेंस उसी के पास होंगे इसलिए तो हमने क्या करा टोबैको के अंदर ये जीन डाल दिए और ये इस तरह से डाले कि ये सेंस स्ट्रैंड भी बना रहा था एंटी सेंस भी बना रहा था ठीक है जी आपका डबल स्टैंडर्ड आर बना उसकी वजह से इनिशिएट क्या हो गया आर एन इंटरफेरेंस इनिशिएट हो गया सो एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या करेगा साइलेंट कर देता है नेमेटोड के आर को अब एक बार अगर नेमेटोड का आर ने मना कर दिया प्रोटीन नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा तो क्या होगा मर जाएगा ठीक है मर जाएगा ओके जी चलो आगे बढ़े, <laughs> आगे बढ़े, चलो अब बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन इन मेडिसिन जिसमें हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक तो हम पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एक पढ़ेंगे हम जीन थेरेपी और तीसरा पढ़ेंगे मॉलिकुलर डायग्नोसिस ओके यस चलो आगे बढ़े। तीन चीज़ें पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन में एक तो हम देखेंगे इंसुलिन कैसे बनाया ह्यूमिलिन एक हम देखेंगे थेरेपी क्या होता है पहली किसको दी थी किस चीज के लिए दी थी एक हम देखें मोलिकुलर डायग्नोसिस उसमें कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं और उसका क्या फायदा है शुरुआत करी जाए विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से ओके जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से शुरू करते हैं ये जो आपका जिनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है हमने क्यों बनाना शुरू करा क्योंकि कुछ लोगों को बच्चे प्रॉब्लम होती है वो उनकी बॉडी नहीं बना पाती इंसुलिन तो इनिशियली पता है हमने क्या करा था इनिशियली हमने कहाँ से लिया था इंसुलिन हमने लिया था कैटल से पिग से वहां से लिया था इनिशियली हम कहां से ले रहे थे इनिशियली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम उसका इफेक्ट सेम था इफेक्ट सेम था जो हमारे इंसुलिन का होता है उन्हीं उनके इंसुलिन का भी वही इफेक्ट था लेकिन बच्चे क्योंकि किसी और का प्रोटीन है तो क्या हुआ एलर्जी भी हो जाती थी ठीक है क्या होता था एलर्जी हो जाती थी रैश पड़ जाएंगे यू you नो know, बड़ी अलग अलग सी एलर्जी लोगों को हो जाती थी तो वो बहुत बढ़िया चीज़ नहीं थी सो इनिशियली इंसुलिन हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा फ्रॉम स्लॉटर्ड uh, मरे हुए स्लॉटर्ड पिग्स <coughs> uh, कैटल्स इंसेलिया अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी बच्चे इससे हो जाती थी एलर्जी इसकी प्रॉब्लम ये थी एलर्जी हो जाती थी इससे हो जाती थी एलर्जी हमें नहीं चाहिए ये तो हमने क्या करा सोल्यूशन क्या था इसका सोल्यूशन ये था कि हमने सोचा कि भाई अब अपना ही इंसुलिन बनाना पड़ेगा सोल्यूशन क्या था हम बनाएंगे ह्यूमुलिन ह्यूमुलिन क्या है ह्यूमिन इंसुलिन ठीक है वॉट इज दिस दिस इज ह्यूमन इंसुलिन ओके यस नाउ बट बनाएंगे कैसे यार पहले उसके लिए स्ट्रक्चर भी तो पता चाहिए इसका कोई भी चीज बनानी है उससे पहले तुम्हें तो पता होना चाहिए ना ना कि इस चीज में क्या क्या लगता है ना? इसका स्ट्रक्चर कैसा है मुझे बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए तो पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखे जरा इंसुलिन का क्या स्ट्रक्चर है आ जाओ देखते हैं आ जाओ आ जाओ देखो इसकी ना इंसुलिन क्या है प्रोटीन है प्रोटीन किससे बना हुआ अमीनो एसिड से बना हुआ अमीनो एसिड आपका क्या है पॉलीपेप्टाइड चेंज है तो इसके पास तीन पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं तीन अलग अलग क्या होते हैं बच्चे पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं तो बना दूं मैं बना दूं दिस इज एक चेन ये है आपकी एक चेन ये है और एक चेन येलो कलर से दिखेगा तुम्हें hmm. कौन सा कलर यूज करा जाए पर्पल पर्पल भी सेम ही लगेगा हम्म चलो येलो यूज़ कर लेते हैं क्या इतना तो पता चली जाएगा तुम्हें आई थिंक पता चल रहा है ठीक है तो एक चेन क्या है तुम्हारी ये वाली ये है तुम्हारी सी चेन दिस इज योर बी चेन ये क्या बना रही हूँ मैं अमीनो एसिड्स हैं मान लो ये अमीनो एसिड्स हैं ठीक है और ये क्या है तुम्हारी सी चेन This is your C chain. Okay, ठीक है yes. अब लिख दें लिख दो मैं आप लिख दो This is bachcho c peptide are अरे सबका ना उनके कलर pe ही लिख दें This is C पैप्टाइड सी पैप्टाइड में कितने अमीनो एसिड हैं देर आर हाउ मेनी थर्टी वन थर्टी वन अमीनो एसिड्स हैं आपके सी पैप्टाइड में दिस इज ए पैप्टाइड ये बेचारा क्या है ये ए पैप्टाइड है ए पेप्टाइड के पास कितने हैं ट्वेंटी वन है देर आर ट्वेंटी वन अमीनो एसिड इन ए पेप्टाइड ट्वेंटी वन है बी में कितने हैं बी में कितने हाउ मेनी इन बी बी चेन में कितने बी चेन में यू हैव थर्टी दिस इज बी पेप्टाइड हाउ मेनी यू हैव थर्टी अमीनो एसिड्स ठीक है ये तुम्हारा क्या है ये है तुम्हारा प्रो इंसुलिन दिस इज नॉट इंसुलिन ये क्या है ये है तुम्हारा प्रो इंसुलिन ये इंसुलिन नहीं है ये है प्रो इंसुलिन ये इनएक्टिव है ये क्या inactive है इनएक्टिव है अब तुम बोलोगे मैम इसको क्यों हमारी बॉडी प्रो इंसुलिन क्यों बना रही है भाई तुम्हें पता है ना इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है है ना उसको हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं घूमना चाहिए उसको एक्टिव फॉर्म में तभी ही घूमना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो ऐसे तो फिर हमारा शुगर का या ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड का वो रेगुलेट ही नहीं हो पाएगा इसलिए हम इसको क्या बनाते हैं इसको हम इनएक्टिव फॉर्म में बनाते हैं प्रो हॉर्मोन भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं प्रो हॉर्मोन बोलते हैं वट डू वी कॉल दिस इज नोन एज प्रो हॉर्मोन बच्चों ठीक है तो दिस इज इनएक्टिव फॉर्म प्रो इंसुल आपका इन एक्टिव फॉर्म है एक्टिव फॉर्म कैसे बनती है एक्टिव फॉर्म ऐसे बनती है कि यहां पर ना हम लोग रिमूव कर देंगे सी पेप्टाइड वी आर गोइंग टू रिमूव द सी पेप्टाइड रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड तो आपके पास अब कैसा बनेगा स्ट्रक्चर अच्छा यहां पर भी ना ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना दिस इज कौन सा कलर लिया जाए कौन सा कलर लिया जाए दिस इज ज्वाइन टूगेदर बाय दीज डाई सल्फाइड ब्रिजेस ठीक है बच्चे यहां आपके डाई सल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जो ये जो चेन्स है ना आपकी इनको जोड़ के रखा हुआ है जिनको अब क्या होगा वॉट विल हैपन नाउ इज दैट कि आपका सी पेप्टाइड तो मैंने रिमूव कर दिया सी पेप्टाइड रिमूव हो गया तो तुम्हारे पास बन गया इंसुलिन कैसा बनेगा ए क्या पिंक कलर से बनाया Yellow. ये लो ये ए आ गया बी किस कलर से बनाया येलो कलर से बनाया तो बी बना दो ये लो ये आ गया बी दोनों को जोड़ दो दोनों को कैसे जोड़ोगे कैसे जोड़ोगे दोनों को जोड़ दो तुम डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जोड़ दिया अब ये बन गया इंसुलिन दिस वॉज वट दिस वॉज ए एंड दिस वॉज वट दिस वॉज बी दोनों मिलके क्या बनाएंगे तुम्हारा इंसुलिन बना देंगे ये क्या है ये पहले वाला क्या था प्रो इंसुलिन दिस इज वॉट दिस इज योर इंसुलिन ये बच्चे आपका क्या है है आपका इंसुलिन ठीक है दिस इज योर इंसुलिन ये बन गया तुम्हारा इंसुलिन ओके हे भगवान ठीक है ये बन गया तुम्हारा इंसुलिन और यहाँ पे एक और चीज लिख लेना प्रो इंसुलिन मैंने जहां लिखा ना इसको आप प्रो हॉर्मोन भी लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो ठीक है इंसुलिन ऐसे बन रहा है तुम्हारी बॉडी में लेकिन एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली उसने बनाया इंसुलिन, लैब में, उसने बनाया लैब में इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया ठीक है हाँ जी, यस yes. ठीक <laughs> है चलो कॉम्बिनेट इंसुलिन बनाने में एक बड़ा ही बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था किसने बनाया पहले लिखो एली लिली एली लिली क्या था कंपनी का नाम है भाई कंपनी का इंसान का नाम नहीं है कंपनी का नाम है और इसमें ना शायद एक और एल आता है एली लिली ठीक है दिस वॉज 1983 में दिस वॉज अमेरिकन कंपनी ये सारा कुछ लिख लेना क्वेश्चन पूछ ले देते हैं वो अमेरिकन कंपनी अमेरिकन थी कौन सी कंपनी थी वो लिख लेना वो लिख लेना ठीक है चलो एली लिली ने क्या करा इन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि हम बनाएंगे हम मैन्युफैक्चर करेंगे लैब के अंदर इंसुलिन बच्चे लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने ये तो बना लिया ये तो बना लिया प्रो इंसुलिन बना लिया लेकिन ये इसको इंसुलिन नहीं बना पाए ठीक है प्रो इंसुलिन बना लिया बट ये सी पेप्टाइड को रिमूव करके इंसुलिन को असेंबल नहीं कर पाए सी पेप्टाइड को रिमूव करके ए और बी को नहीं जोड़ पाए तो दिक्कत खड़ी हो गई दिक्कत खड़ी होगी क्या दिक्कत खड़ी हो गई दिक्कत ये आ गई कि प्रॉब्लम क्या चैलेंज चैलेंज क्या था दे वर नॉट एबल टू असेंबल इंसुलिन ठीक है यस गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड असेंबल्ड इन इट्स इन टू इट्स इन टू मेच्योर फॉर्म वो नहीं कर पाए थे तो इन्होंने पता है क्या सोचा इन्होंने सोचा कि हम सी बनाएंगे नहीं ठीक है फिर अगर यही दिक्कत आ रही है तो हम सी बनाने ही नहीं वाले वी विल नॉट मेक सी पेप्टाइड हम बनाएंगे नहीं ठीक है अब सी पेप्टाइड नहीं बनाओगे तो क्या होगा तुम्हें सी रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम ए और बी को जोड़ दो और ए और बी को जोड़ दो तो तुमने क्या करा अब देखो क्या हुआ व्हाट विल वी डू आपने डीएनए सीक्वेंस लिया ए चेन का सोल्यूशन क्या था बच्चों सोल्यूशन ये था डी डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए चेन सोल्यूशन ये था ठीक है then DNA sequence of B chain of B chain ठीक है दोनों को मिला दो अभी नहीं मतलब अभी नहीं अभी हम ग्रो करेंगे इनको ना प्लाज्मिड में रखा वेक्टर भी तो चाहिए ना इधर भी वेक्टर चाहिए होगा प्लाज्मिड ओके okay, अब ई e. कोलाई का हेल्प ले लो ई e. कोलाई के अंदर हम प्रोड्यूस करवाएंगे ना इस चीज को ई e. कोलाई अपना होस्ट आ गया इधर भी बच्चे ई e. कोलाई अपना होस्ट आ गया है ना ई e. कोलाई ने चेन ए भी बना दी और चेन बी बना दी अलग अलग बनवाई बट हमने अलग अलग बनवाई अब दोनों को जोड़ दो अब क्या करो तुम दोनों को जोड़ दो. दोनों चेन्स को जोड़ दो जोड़ दिया ठीक है कैसे जोड़ दिया तुमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से कंबाइन कर दिया कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कर दिया कंबाइन, एंड आपको क्या मिलेगा बच्चों आपको क्या मिलेगा ह्यूमन इंसुलिन आपको मिल जाएगा ह्यूमन इंसुलिन आपने सक्सेसफुली बना लिया लैब के अंदर ठीक है लैब के अंदर आपने सक्सेसफुली बना लिया ठीक है जी यस yes. यस yes. इतनी बात सबको समझ में आई क्योंकि हमें डिफिकल्टी हो रही थी ना तीनों तीन बन जाती थी लेकिन उसको हम असेंबल नहीं कर पाते थे ना तो हमसे सी पेप्टाइड रिमूव होता था ना ही हमसे ये ए और बी जोड़ा जाता तो हमने क्या करा हम हमने बोला कि अलग अलग बना लेते हैं फिर अगर यही बात है ना तो सी को हम बनाएंगे ही नहीं ठीक है बनाएंगे ही नहीं हम सी को ये बात समझ में आई आगे बढ़े क्या जीन थेरेपी कर ले जीन थेरेपी कर ले जीन थेरेपी हाँ चलो अब हम करते हैं जीन थेरेपी अब हम बढ़ते हैं जीन थेरेपी पे जीन थेरेपी क्यों कर रहे हैं हम जीन थेरेपी पहली बात जीन थेरेपी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अगर किसी के अंदर डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट कर सकें ठीक है उसको ठीक कर सके जैसे कि जो पहली जीन थेरेपी आपको दी गई थी क्लिनिकल जीन थेरेपी आप पहली मिली थी दैट वॉज इन दिन साल की एक बच्ची थी उसको दी गई थी किस लिए दी थी? दी के लिए दी थी. दी गई गई थी थी एडिनोसिन एडिनोसिन के आपके बॉडी में एक ऐसा जीन है जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली ठीक से रखता है अगर आपके बॉडी में ये जीन ना रहे ना बच्चों तो आपको दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपको स्किड हो सकता है स्किड क्या होता है बच्चों फटाफट से बताओ हाँ आज पूरा चैप्टर हो जाएगा यार अब तो खत्म होने को आया चैप्टर स्किड क्या होता है फटाफट से बताओ स्किड क्या होता है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशेंसी सो क्या होगा हमने क्या करा पहला क्लिनिकल uh, ट्रायल किसके लिए दिया गया था पहले तो तुम लिखो एडी AD, एडिनोसिन अच्छा मैं ये लिखती हूँ फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दी थी किसको दी थी बच्चे कब हुई थी इन द ईयर 1990 में चार साल की बच्ची थी फोर ईयर्स ओल्ड गर्ल किस लिए दी थी ए डी ए ठीक है एडीए क्या होता है मैं बताऊंगी भी एडीनोसिन डी एमिनेज एडीए क्या है एडीनोसिन डी एमिनेज आपको ये वाला जीन चाहिए क्यों चाहिए एमिनेज ये जीन मुझे क्यों चाहिए ये जीन अगर होता है ना तो दिस दिस जीन दिस एंजाइम इज क्रूशल फॉर माय इम्यून सिस्टम मेरे को मेरा इम्यून सिस्टम को अगर ठीक से काम करना है तो मेरे को ये एंजाइम चाहिए क्रूशियल एन्जाइम आई विल राइट दिस एंजाइम एनजाइम क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम मेरे इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर ये ना हो ना इसकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाए बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट कैन ऑल्सो लीड टू स्किड क्या बोलते हैं हम स्कीड बोलते हैं skid is what severe severe combined combined immunodeficiency डेफिशियंसी इम्यूनो डेफिशियंसी हो जाएगा मुझे मतलब ये बहुत ही खतरनाक स्टेज आ गई अब अब बहुत ही खतरनाक स्टेज तुम्हारी आ गई ठीक है अब क्या करें फिर अगर किसी को ये दिक्कत हो जाए किसी के अंदर ये वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाए तो हम क्या करें क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हम तो हम ये कर सकते हैं बच्चों कि इस जीन को करेक्ट करके हम उस इंसान के अंदर डाल दें है ना इस जीन को करेक्ट करके हम उस इंसान के अंदर डाल दें वैसे तो तीन आपके पास ऑप्शन है यू हैव थ्री ऑप्शन ट्रीटमेंट फॉर एडीए डेफिशेंसी क्या ट्रीटमेंट है क्या ट्रीटमेंट है या तो हम इस एंजाइम को ही रिप्लेस कर दें मतलब जो भी इंसान सफर कर रहा है इस कंडीशन से उसको हम हर बार नया स्वस्थ एंजाइम देते रहें बाहर से एंजाइम देते रहें रेगुलरली आपको डोजेज मिलते रहेंगे मुश्किल है वो भी है ना मुश्किल है आ, किसी को बहुत मजा तो नहीं आएगा रोज जाके एंजाइम डलवाने में नहीं आएगा मज़ा दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो <coughs> बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लो तीसरी चीज़ बच्चे आप जीन थेरेपी कर सकते हो ठीक है और जीन थेरेपी अगर आपने करवा ली ठीक है जीन थेरेपी कुड बी अ परमानेंट क्योर अगर आप बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं अर्ली स्टेज में तो वो परमानेंट होता है दैट इज परमानेंट ठीक है तो मैं यहां पे लिख देती हूं क्या क्या अपने पास ऑप्शन है नंबर वन इज इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ठीक है इसमें क्या इंजेक्शन लगेंगे आपको इसमें आपको इंजेक्शन लगेंगे ठीक है फंक्शनल एडीए का इंजेक्शन आपको लगता रहेगा दिस इज नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव इससे आपका कंप्लीट क्योर नहीं होने वाला वन सेकेंड क्या है आपके पास ऑप्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा लो इन चिल्ड्रन भाई ये भी बच्चों कंप्लीटली क्यूरेटिव क्यूरेटिव आपका तब होगा जब आप जब आप एम्ब्रियो स्टेज में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवा लोगे दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली क्यूरेटिव क्योंकि आपके सारे के सारे जीन करेक्ट हो जाएंगे आपके सारे जीन करेक्ट हो जाएंगे आपके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सेल्स होते हैं ना वही तो आपका पूरा का पूरा शरीर बनाने वाले हैं अगर आपने उसको उसी स्टेज में सही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार डेवलपमेंट हो गया ना फिर आपको ये बाकी दो ही ऑप्शन रह जाएंगे आपके पास फिर आपके पास ये दो ऑप्शन रह जाएंगे वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो तीसरा इज जीन थेरेपी एक है तीसरा आपका जीन थेरेपी है ना और अगर आपने परमानेंट क्योर क्या परमानेंट क्योर बच्चे अगर आपने इफ यू आर एबल टू अगर आपको पहले ही पता चल जाए इम्रियॉनिक स्टेज में ही पता चल जाए अभी अर्ली इम्ब्रियॉनिक स्टेज में अभी डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ तो उसी टाइम पर अगर आप बोन बोनमेरो ट्रांसप्लांट कर सकते हो तो अर्ली स्टेज पे हो जाए तो सो so, बोन मेरो ट्रांसप्लांट एट अर्ली स्टेज दिस कैन बी अ परमानेंट क्योर ये क्या होगा परमानेंट क्योर होगा ठीक है यस yes. ये क्या होगा परमानेंट क्योर होगा अब इसकी क्या सीक्वेंस है इसके क्या स्टेप्स हैं इसको हमने कैसे इसको हमने कैसे अंजाम दिया जो भी इंसान था जो भी पेशेंट था मान लो ये जो बच्ची थी इस बच्ची के हमने क्या लिए लिम्फोसाइट्स लिए बच्चों आपको पता ना कि आपकी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं जैसे इंसुलिन के जीन की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे हाथ में इंसुलिन का जीन एक्टिव नहीं होता मेरे चीक में नहीं होगा मेरे गर्दन में नहीं होगा एक्टिव किसी एक जगह पे ही एक्टिव होता है वो वाला जीन जैसे पैनक्रियाज में एक्टिव होता है ठीक है तो ये वाला जो जीन है ना आपका एडीए वाला ये कहाँ पे काम कर रहा है लिम्फोसाइट्स में तो मैं फालतू के सेल थोड़े ना निकालूंगी मैं लिम्फोसाइट्स ही निकालूंगी क्योंकि मेरे लिम्फ़ोसाइट्स ही इसका एक्सप्रेशन कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मेरे लिम्फोसाइट्स ही इसका एक्सप्रेशन uh, कर सकते हैं तो क्या है स्टेप्स स्टेप्स क्या हैं इन जीन थेरेपी क्या स्टेप्स है बच्चों जीन थेरेपी में व्हाट आर द स्टेप्स इन जीन थेरेपी क्या स्टेप्स हैं ओके चलो <laughs> हाँ जी लिम्फोसाइट्स वेरी गुड वेरी गुड लिम्फोसाइट्स ही हमें चाहिए वेरी गुड आशी वेरी गुड हम क्या लिखेंगे लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट पेशेंट के लिम्फोसाइट्स लेंगे पेशेंट्स रहने देती हूँ एक ही पेशेंट है हमारा पेशेंट के हमने लिम्फोसाइट ले लिया और बच्चों हम क्या लेंगे अच्छे वाला स्वस्थ एडीए जीन ठीक है वी विल टेक हेल्दी एडीए जीन और एडीए जीन एडीए आपकी किताब में सी डी एन ए लिखा हो ना मैं बताती हूं सी डी एन ए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बनाते हैं डीएनए बनाया डीएनए से मैसेंजर आर एन ए बना और मैसेंजर आरएनए से जो डीएनए बना उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ठीक है क्या हुआ डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है ये तुम्हें पता है डीएनए से क्या बनता है मैसेंजर आरएनए एन से बनता है फिर मैंने मैसेंजर आरएनए से क्या बनवा लिया डीएनए बनवा लिया उसको हम क्या है? DNA बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डी बोलते हैं इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट ए डी ए इन इट इज पॉसिबल यार वो वाले बड़े महंगे महंगे टेस्ट होते हैं हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तुम अपना पूरा जी जो क्या कहते हैं आपका जो पूरा डी है उसका आप चेक करवा रहे हो दोज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट यार हर किसी के आ, बस की बात नहीं है वो ठीक है ओके मैम इज़ जीन थेरेपी परमानेंट जीन थे जीन थेरेपी बच्चों परमानेंट की ओर आपका वही होगा जो आपका अर्ली इम्रियनिक स्टेज में होता है अदरवाइज परमानेंट तो नहीं है जीन थेरेपी भी आपको बार बार लेनी पड़ती है क्योंकि ये जो आपके लिम्फोसाइट्स है ना इनका भी एक टाइम स्पैन होता है ये मर जाते हैं दे आर नॉट इमोटल ये क्वेश्चन भी आया था दो तीन साल पहले ठीक है ये क्वेश्चन भी आया था दो तीन साल पहले ओके चलो छुट्टी क्यों कर दो चैप्टर खत्म होने वाला है छुट्टी कर दो बहुत बढ़िया बात है बहुत ही बढ़िया बात है अच्छा मैं बैठ रही हूं यार आई एम टायर्ड और एक यार पानी भी पीने दो पानी 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 ठीक okay. है तो हमने क्या करा लिम्फोसाइट्स लिए पेशेंट के लिए एडीए जीन पेशेंट का नहीं लिया क्योंकि उसके पास तो ठीक वाला नहीं है ना तो वो हमने स्वस्थ इंसान का एक सेल निकाल लो दो सेल निकाल लो उसी से काम चल जाएगा क्योंकि तुम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो बहुत सारे बना सकते हो जीन ठीक है यस ओके okay, चलो <coughs> ओके ठीक है तो ए डी ए सी डी एन ए सी डी एन ए क्या है हमने क्या करा डी एन ए लिया जो जीन था वो निकाला उसका मैसेंजर आर ए बनाया और उससे हमने सी डी एन ए बना लिया उससे जो कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए बन है जो डी एन ए बनता है मैसेंजर आर एन ए से उसको हम बोलते हैं सी डी एन ए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ठीक है जी अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कौन सा वेक्टर क्या यूज़ करेंगे भाई इंसान की बात कर रहे हैं एनिमल्स की बात करें तो वेक्टर क्या यूज़ करोगे रेटरोवायरस रेटरो वायरस यूज करोगे एज अ वैक्टर ठीक है ये वैक्टर यूज करा तुम्हें अब तुम क्या बना दोगे यू विल हैव द जिनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जिनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स ठीक है ये बन गए और ये क्या होते हैं ये इमोटल होते हैं भाई सो so, सॉरी ये मॉटल होते हैं <laughs> ये मॉटल होते हैं मरे जाते हैं भाई इनका टाइम स्पेंड होता है तो आपको आफ्टर रेगुलर पीरियड जीन थेरेपी लेनी पड़ती है तो ये परमानेंट क्योर नहीं है लेकिन ऑब्वियसली बेटर देन एंजाइम जो तुम इंजेक्शन लगा रहे थे ना रोज उससे ठीक है इनफ्यूज इन पेशेंट पेशेंट के अंदर तुमने इसको लगा डाला एंड झिंगा डाला ठीक है झिंगा ला लें हो गया तुम्हारा स्टेप्स इन जीन थेरेपी क्वेश्चन पता क्या था क्वेश्चन ये आया था कि क्या ये परमानेंट क्या और होता है या इसके बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है कि ये मॉटल होते हैं इमोटल होते हैं तो ये बच्चे इमोटल नहीं होते दे आर नॉट इमोर्टल दे डाई ठीक है ये मर जाते हैं तीन चार साल में आपको जीन थेरेपी लेना पड़ सकता है ठीक है ठीक है चलो अब हम बात करेंगे मोलिकुलर डायग्नोसिस की मोलिकुलर डायग्नोसिस में आप एक चीज पढ़ चुके हो मोलिकुलर डायग्नोसिस हम क्यों कर रहे हैं पहली बात तो मोलिकुलर डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज होता है अर्ली डिटेक्शन में यूज होता है जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आपके डायग्नोसिस हैं जैसे कि ब्लड का सैंपल ले लिया यूरिन का एनालिसिस कर लिया वो तब रिजल्ट देते हैं जब कोई चीज़ हो चुकी है तुम बीमार पड़ चुके हो तब अगर तुम मोलिकुलर डायग्नोसिस कर रहे हो ना तो बीमार पड़ने से पहले सिम्टम्स आने से पहले भी तुम डिटेक्ट कर सकते हो डिजीज़ को क्योंकि थोड़ा सा छोटे से छोटा नन्ने से नन्ना निन्नू से निन्नू चीज़ों को ये देख लेता है कि अच्छा अपने ब्लड में ये घूम रहा है अच्छा अपने डीएनए में ये गड़बड़ हो गई है तो ये ना अर्ली डिटेक्शन इसलिए कर लेता है और इससे एग्जांपल क्या इसके एग्जांपल है फॉर एग्जांपल पीसीआर पढ़ लिया है तुमने फर एग्जाम्पल आर बता दूंगी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मलेरिया वगैरह में हम ये वाले टेस्ट यूज करते हैं एलिजा uh, एलिजा क्या होगा वो हम पढ़ेंगे ठीक है वो हम पढ़ने वाले हैं एलिजा हम पढ़ेंगे एलिजा हम पढ़ेंगे पाँच मिनट का कोई ब्रेक नहीं अभी चैप्टर ही खत्म हो जाएगा दस मिनट में पाँच मिनट का ब्रेक चाहिए तुम्हें अद अलग ही बात कर रहे हो तो। तुम तुम्हारी बात ही अलग चल रही है चलो फिर नंबर वन पीसीआर पीसीआर को बच्चे हमें बहुत डिटेल में करने की जरूरत है क्योंकि हम डिटेल में कर चुके हैं जो इसका पहला चैप्टर था उसमें कर चुके हैं तो पीसीआर क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं डीएनए को एम्प्लीफाई कर लेते हैं इससे क्या होता है ना इसका फायदा क्या है मैं छोटी से छोटी लो कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया का या वायरस का या कोई भी म्यूटेशन को मैं डायग्नोज कर सकती हूँ ठीक है डिटेक्ट्स वेरी लो कॉन्सनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस ये बहुत बढ़िया बात है इसलिए मुझे सिम्टम्स आने से पहले मेरी बीमारी डायग्नोस हो सकती है है ना एग्जाम्पल क्या है किस किस चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ मैं किस एच का इन्फेक्शन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एच का इन्फेक्शन हो गया जी म्यूटेशन हो गई कुछ जीन में कुछ म्यूटेशन हो गई है ना म्यूटेशन इन जीन्स कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स इससे पता चल सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स आप इससे पता कर सकते हैं है ना जी ओके okay. ओके okay, चलो अब दूसरे पे आ जाओ सेकंड इज एलिजा सेकंड क्या है सेकंड अपना है एलिजा एलिजा किसी लड़की का नाम नहीं है पहली बात तो किसी लड़की का नाम नहीं है तो लड़के लोग ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट इम्यूनो इम्यूनो वर्ड क्यों आया बताऊंगी इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे ऐसे मतलब टेस्ट ऐसे का मतलब होता है टेस्ट एंजाइम क्यों बोला कि इसमें हम एंजाइम यूज करते हैं इम्यूनोजॉर्बेंट क्यों बोला क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर ये बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है बेसिस क्या है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर ये बेस्ड है इंटर एक्शन ठीक है जी ओके okay, हाँ सो दिस इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन राइट अब ये इसमें कैसे मैं, मैं कैसे मैम आप डिटेक्ट करोगे देखो बच्चों क्या एक ट्रे होती है एक ट्रे है उसके अंदर आप सैंपल डाल दोगे ब्लड सैंपल डालोगे अब उस सैंपल में आपने मैंने बोला ना एंजाइम यूज कर रहे हो एंड आपके बॉडी में अगर मान लो आप, आप किसी भी चीज़ से कोई कोई भी आपको बीमारी हो गई है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या बनाएगी एंटीबॉडी बनाएगी ठीक है एंटीजन जो आया उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी बनेगी अगर तुम्हारे ब्लड में वो एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं तो ये जो इंजाइम तुम यूज़ कर रहे हो वो क्या करेगा कलर प्रोड्यूस कर देगा क्या करेगा कलर प्रोड्यूस कर देगा और आपको देख के पता चलेगा कि अच्छा बीमार है पॉजिटिव है ठीक है ऐसा होता है ऐसा होता है एलिजा सो so, ये जो आपका एंजाइम है ना ये एंजाइम बच्चे क्या करेगा इट रियक्ट विद द एंटीजन या एंटीबॉडी उसकी वजह से ये क्या करता है कलर प्रोड्यूस करता है ठीक है क्या करता है कलर प्रोड्यूस करता है एंड उस कलर की वजह से आपको पता चल जाता है कि आप बीमार हो वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर दैट पर्टिक्युलर फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज इज दिंग क्लियर इज दिस तो ये क्या करेगा या तो आप ऐसा एंजाइम यूज कर रहे हो जो एंटीजन के साथ कलर प्रोड्यूस करता है या तो ऐसा एंजाइम यूज कर रहे हो जो एंटीबॉडी के साथ कलर प्रोड्यूस करेगा तुम्हारी मर्जी है दैट डिपेंड्स दैट डिपेंड्स कि आप किस तरह तरह की डिजीज uh, को डिटेक्ट करना चाह रहे हो ओके तो यूजेस क्या है इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटीजें ओके डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एंटी बॉडीज जो आपका बॉडी बनाएगा अगेंस्ट पैथोजन पैथोजन और बच्चे एंजाइम क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे इस एंजाइम की वजह से एक कलर आएगा इस एंजाइम की वजह से ही कलर आता है एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूं बट मैं ना वो बताए बिना रह नहीं सकती हूँ टेल यू वन थिंग कि यहां पे हम मोस्ट कॉमनली यूज एंजाइम कौन सा होता है कॉमनली यूज एंजाइम्स पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले तो पूरा डिटेल में मैं तो एलिजा पूरा डिटेल में ही पढ़ाती थी अभी तुम्हारे एनसीईआरटी ने काफी कम कर दिया सिलेबस तुम्हारा बहुत कम कर दिया ठीक है हाँ बच्चे मैं सारी बायो पढ़ाऊँगी दिस बायोटेक्नोलॉजी क्या है दिस इज़ जुआलॉजी उसके बाद जो मैं अगला चैप्टर शुरू करने वाली हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होने वाला है कल वो क्या है दैट इज जुआलॉजी माइक्रोब जुआलॉजी स्ट्रैटजी स्ट्रैटीज जुआलॉजी क्या है ये सब जुआलॉजी है मैं जुआलॉजी भी पढ़ाने वाली हूँ चिंता नको Horse रेडेश पर जिसको तुम प्यार से क्या बोल सकते हो एच आर पी बोल सकते हो एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एल्कलाइन फॉस्फेटेज ठीक है ना ए एल पी बोल सकते हो ये कॉमन एंजाइम आपके यूज होते हैं जिनकी वजह से रंग आता है जिनकी वजह से क्या आता है रंग आता है मैम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन को भी टेम्पररी चेंज कर सकते हैं मॉन्स्टर में क्या जैसे वेडनसडे सीरीज में दिखाया था मुझ पहली बात तो मैंने ये वेडनसडे सीरीज नहीं देखी दूसरी बात <laughs> ये सब नहीं होता यू कैन नॉट हाउ हाउ इज़ दिस पॉसिबल यार तुम किसी को मॉन्स्टर कैसे बना दोगे अगर तुम एक अगर मान लो किसी के अंदर इस तरह का म्यूटेशन आ भी गया कि काफी चेंजेस हो गए हैं देन बच्चों उस चेंजेस से तो वो इंसान मर ही जाएगा इतने खतरनाक चेंजेस आ गए तो ये कुछ भी मत देखते रहोगे तुम हाँ ऐसा नहीं होता है ऑल फिक्शनल थिंग्स सब फिक्शनल है तीसरी थी चीज आ जाओ जा थर्ड <laughs> थर्ड आ जाओ थर्ड आ जाओ ऑटो जा। जा। रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है तीसरा जो अपना तरीका है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो वो क्या है ऑटो रेडियोग्राफी है <laughs> अबे सच बता दो प्लीज और सच ही बता रही हो ऐसा नहीं होता भाई ऐसा नहीं होता ये सब चीज़ें ये क्या बोलते हैं उसे कपोल कल कल्पना है ये सच में नहीं होता चलो ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी क्या है भाई ऑटो रेडियोग्राफी इज़ आपके पास एक एक्सरे फिल्म है एक्सरे फिल्म देखिए सबने देखिए uh, uh, तुम आई रियली डोंट वॉन्ट कि तुम्हें कभी एक्सरे कराने की जरूरत पड़े बट आपने देखा तो होगा ही हाँ फोटोग्राफिक फिल्म होता है एक जिसके ऊपर आप चीज़ों को देखने वाले हो लेकिन आप क्या देखने वाले हो यू आर गोइंग टू चेक डी एन ए आप डी एन ए को देखने वाले हो ठीक है बच्चों कि डी एन ए में म्यूटेशन है या नहीं है कि अपना डी एन ए ठीक है या नहीं है ठीक है, यस वो देखने वाले हो वो देखने वाले हो अबे यार पढ़ लो जोम बना सकते हैं यानी चलो चलो ठीक है ऐसे हम देखते हैं लेकिन ऑटो रेडियोग्राफी पढ़ने से पहले मुझे प्रोब बताना चाहिए प्रोब क्या प्रोब का मतलब होता है जासूसी करना प्रोबिंग का मतलब होता है जासूसी करना प्रोब क्या जासूस है प्रोब क्या होता है जासूस है तो प्रोब क्या है जासूस है ये जासूस क्यों छोड़ा हुआ है हमने ये जासूस हमने इसलिए छोड़ा है ये पता लगाएगा कि मेरा डीएनए में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है मेरा डीएनए ठीक है या नहीं है ओके ओके ठीक है हम लोग गार्गियन हैं हम करके दिखाएंगे ह्यूमंस को चेंज गुप्ता नहीं नहीं सब काम नहीं करने भाई क्या कुछ भी सोचते तुम पर तुम्हारी चाटी नहीं पड़नी चाहिए कुछ भी चलो ऑटो रेडियोग्राफी प्रोब क्या होता है प्रोब हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जासूस है कुछ भी नहीं है डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है तो क्या रेडियो एक्टिव है पहली बात तो अब रेडियो एक्टिव क्यों बनाया तुमने रेडियो एक्टिव इसलिए बनाया कि भाई तुम एक्सरे फिल्म पे अगर देखोगे चमकेगा तुम तो भी तो दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा ना तो इसलिए रेडियो एक्टिव बना रहे हैं रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएन ठीक है या फिर बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये क्यों रखा हमने यही आपका किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएगा तुम्हारे डीएनए के साथ तुम्हारे डीएनए के साथ बनाएगा फॉर्म्स <coughs> कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद डीएनए तो एक बात मेरी सुनो ठीक है एक बात मेरी सुनो मान लीजिए ये आपका डीएनए है ठीक है ना मान लो मानना पड़ेगा ये तुम्हारा डीएनए तो डीएनए को ना जब हम रेडियो एक्टिव ऑटो ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे हैं ना तो हम डीएनए को क्या करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं पहले तो बन गया अरे बाबा रे बाबा ओहो भैया तो इसके साथ ही जा रहा है क्या करें चलो तो समझ गए ना सिंगल स्टैंडर्ड बन गया ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड बन गया तुम्हारा डीएनए अब मैंने प्रोब डाल दिया यहाँ पे अब मैंने मैं एक को इरेज कर देती हूँ इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि हम एक को निकाल देंगे निकाल दिया ये मेरा डीएनए था प्रोब आया प्रोब यहाँ पे आके लग गया ठीक है यहां के लग गया एक और कोई प्रोब था वो भी यहां के लग लग गया बच्चों जब ये लग जाता ना तो इट शोज रेडियो एक्टिविटी जब ये आपके डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेता है ठीक है तो वो क्या करता है रेडियो एक्टिविटी शो करेगा तो तुम्हारी जो एक्सरे फिल्म थी या जो तुम्हारी फोटोग्राफिक फिल्म थी उसके ऊपर तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये डीएनए के साथ प्रोब लग गया मतलब मेरा डीएनए नॉर्मल है मेरा डीएनए नॉर्मल है क्योंकि अगर इसने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं बनाए क्योंकि हमारा जो प्रोब था वो भी नॉर्मल वाला प्रोब था नॉर्मल वाला प्रोब ही नॉर्मल डीएनए के साथ पेयरिंग करेगा लेकिन अगर मेरे डीएनए में गड़बड़ है बच्चों मान लो मेरे डीएनए में है गड़बड़ अब एक और तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ ठीक है ठीके? ये तुम्हारा डीएनए लेकिन यहां पे गड़बड़ है इसके साथ वो बाइंड नहीं करेगा यहां पे कोई भी प्रोब आके नहीं लगने वाला नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो रेडियो रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करेगा रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करेगा तो तुम्हारी फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आने वाला है समझे ठीक है नहीं आने वाला है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइन दैट इज गिवन इन यूर एनसीआर टी की जो आपका प्रोब है ना वो बच्चे हाइब्रिडाइज करता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डीएनए के साथ म्यूटेटेड डीएनए के साथ नहीं करेगा अरे सॉरी बहुत मोटा हो गया था यार पेन प्रोब डू नॉट या विल नॉट हाइब्रिडाइज थ म्यूटेटेड जीन और आपको पता चल जाएगा अगर आपका ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ ना देन यू विल नो कि भाई अच्छा अगर ऐसा हुआ तो नो रेडियो एक्टिविटी इट विल नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म फोटो ग्राफिक फिल्म है ना क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आपकी बेस पेरिंग नहीं हुई इसका मतलब है कि आपका जो जीन है उसमें म्यूटेशन है तो बच्चे क्वेश्चन क्या आता है क्वेश्चन ये आएगा आपको कि बताओ क्वेश्चन क्या आएगा कि लेट मी आस्क अ क्वेश्चन चलो क्वेश्चन आपने एक्सपेरिमेंट करा आपने एक्सपेरिमेंट करा लेकिन जो आपका फोटोग्राफिक फिल्म था ठीक है डी एन ए ड नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि आपका डीएनए में म्यूटेशन है नॉट म्यूटेटेड या वी डोंट नो वी डोंट केयर हाँ वी डोंट केयर क्या होगा ए बी या सी है क्या होगा दैट मीन्स यू हैव म्यूटेट म्यूटेशन योर डी एन ई इज म्यूटेटेड ठीक है म्यूटेशन है ओके वी डोंट केयर नहीं वैसे तो मैं पंजाबी में लिखने वाली थी सानू की बट कि काफी बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो मैंने सिर्फ लिख दिया समझे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ओके okay, जी ऐसे पूछे जाते हैं हाँ चलो अब आ हाँ जाते हैं हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे एंड दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसमें कुछ ज्यादा आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये वाला पार्ट जो भी समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला तो मैंने समझा दिया यहाँ पे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एकदम वेले किस्म का है ऐसा नहीं है ठीक है ठीक है ऐसा नहीं है लिख दो तो एक बार मैम पंजाबी यार बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा ठीक है अलग अलग जगह से बच्चे आके पढ़ रहे हैं तो मैं एक नहीं लिख सकती वी डोंट केयर मैम मुझे पता था इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लिखेंगे मैम वी डोंट केयर उनको मजा आएगा <laughs> चलो आ जाओ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं जीएमओ ठीक है जीनेटिकली मॉडिफाइड है इनके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन लगा दी है मैनिपुलेशन कर दिया क्यों कर दिया बच्चों तुम सोचोगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इंसान इतने खराब क्यों हैं हम इंसान खराब हैं और हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते बच्चों इसलिए हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए राइट आई डोंट नो सही है गलत है वो <coughs> आप डिसाइड कर सकते हो वो आप सबका अलग अलग होता है बट इट्स लाइक कि ह्यूमन बीग्स को बचाना है ह्यूमन बींग्स को आपको ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी हैं तो आपको किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तो इसलिए हमने ट्रांसजेनिक्स बनाए हैं जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट रैपिड फिश एंड शीप काउस ये सब बना लिया लेकिन 95 परसेंट अपने क्या है चूहे हैं 95 परसेंट क्या है बच्चे चूहे हैं ओके ठीक है, <coughs> okay? है? भारतीय मेरे क्लास का टाइम होता है छह बजे वाई और तीन बजे जो मैं वाई पे पढ़ाती हूँ अगले दिन तीन बजे प्रैक्टिस सेशन होता है ठीक है अन एकेडमी ऐप पे फ्री में वो आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी नोइंग दिस बेनिफिट्स क्या है बच्चों ट्रांसजेंडिक एनिमल्स के <coughs> एक तो मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट पढ़ सकती हूँ मैं अगर किसी चीज़ का असर देखना चाहती हूँ ठीक है मैं अगर किसी चीज़ का असर देखना चाहती हूँ बच्चों की कोई मान लो इंसुलिन है इंसुलिन का मुझे देखना कि क्या मेरे बॉडी में किस तरह का वो इफेक्ट लाता है आई cannot नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स तो मैं क्या करूँगी मैं एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगी तो उससे मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से अगर मैंने मॉडिफाई कर दिया किसी चीज़ को तो ये इफेक्ट होता है ठीक है दूसरी चीज़ कि मुझे अगर डिजीज स्टडी करनी है तो उसके लिए भी मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करती हूँ इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है इसको लिख लेना इसमें एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा कि जब हम डिजीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं बच्चों तो हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं कौन सी डिजीज के लिए तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल कैंसर के लिए क्वेश्चन आ चुका है ठीक है फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए है फॉर एग्जाम्पल रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए है आर्थराइटिस <coughs> के लिए है एल्जाइमर्स के लिए हैं इन सब चीजों पर ना बहुत रिसर्च चल रहा है आजकल ये हॉट टॉपिक्स हैं रिसर्च के एंड आर्थरा सॉरी वो तो मैंने लिख दिया एल्जाइमर्स देखो मैं ही भूल गई हूँ एल्जाइमर्स की बात करते करते मैं ही भूल गई मतलब मेरे को हो जाएगा मुझे पता है मेरे को होने वाला है मेरे को तो यही होगा ओल्ड एज में मुझे ये होगा मेरे को ऐसा लगता है आई एम सो फगेटफुल मुझे तो बहुत सारी चीज़ें भूलती हैं <laughs> मुझे सिर्फ बायो याद रहती है अदरवाइज आई फगेट सो मेनी थिंग्स ओके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या एग्जाम्पल आपको लिखने हैं वो देखते हैं बायोलॉजिकल <clears> प्रोडक्ट्स <throat> में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब कि हमने ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जिनसे हमें क्या क्या ऐसी खास चीज मिल रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई क्या क्या, क्या खास चीज मिल रही है तुम्हें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ठीक है एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बच्चों टू ट्रीट एम्फिजमा ये जो ये जो प्रोटीन है ना देखो बहुत डिटेल में नहीं जा रही लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोटीन है ना एंटीट्रिप्सिन ये प्रोटीन आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है अगर ये बनना बंद हो जाए या गंदा बन रहा है डिफेक्टेड बन रहा है तो मेरे लंग्स नॉर्मल नहीं रहेंगे मेरे लंग्स डैमेज हो जाएंगे और मुझे एम्फिजमा हो जाएगा ठीक है तो एम्फ़मा स्मोकिंग से तो होता है जेनेटिकली भी हो सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ट्रीटिंग एम्फेसमा ओके okay? इसको ट्रीट करने के लिए हमें ये चाहिए ऑल राइट जी देन बच्चे सेकेंड चीज हम क्या यूज करते हैं हम यू, हमने यूज करा है सिमिलर अटेम्प्ट हम कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीके यू फिनाइल कीटोन यूरिया फॉर पीके यू फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक ये प्लीज याद रखोगे कि कौन सी डिजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं पहली ट्रांसजेनिक काओ कब बनी थी फर्स्ट ट्रांसजेनिक इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है काओ कब बनी थी इन द ईयर 1997 इसकी क्या खासियत थी इसकी क्या खासियत थी इस काओ में हमने जीन डाल दिया था जिससे ये ह्यूमन प्रोटीन एंड मिल्क बना दी थी ठीक है ह्यूमन प्रोटीन जो हमारे मिल्क में प्रोटीन होता है वो एनरिच्ड मिल्क ये बनाने लग गई सो प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क और कितना भाई वो प्रोटीन कितना था ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए 2.4 ग्राम पर लीटर ठीक है 2.4 ग्राम पर लीटर वो आपको मिल रहा था काफी काफी बढ़िया अमाउंट था क्या था क्या था प्रोटीन क्या था, था? दैट वॉज एल्फा एल्फा लेक्टा एल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एलब्यूमिन एल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन वॉज अ प्रोटीन ठीक है तो इससे क्या हुआ हमें बहुत ही बैलेंस डाइट मिल गई बैलेंस डाइट फॉर ह्यूमन बेबीज ह्यूमन बेबीज एल्फा लेक्टल ब्यूमिन आपका ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बड़े जरूरी हैं इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं देन बच्चों इज वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग आप आपने कोई वैक्सीन बनाई आप सीधा सीधा इंसान पे तो टेस्ट नहीं कर सकते उसके लिए आप टेस्ट करोगे एनिमल्स के ऊपर बेसिकली ट्रांसजेनिक माइस पे आप ये यूज करोगे मैं यहीं पे लिख देती हूँ ये वाली बात किसके ऊपर यूज करेंगे बच्चों ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर यूज करेंगे ट्रांसजेनिक माइस एंड ये जो केमिकल सेफ्टी है कोई चीज कितनी टॉक्सिक है कितना बढ़ा दिया हमने तो कितना नुकसान होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं इन एनिमल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं फिर उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा इतना कॉन्सेंट्रेशन इतना लेवल अगर हम रखेंगे तो नुकसान नहीं दे रहा अगर इतने से इतना हुआ तो नुकसान दे रहा है इसलिए हम ठीक है हाँ इसलिए हम अपने केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी इन ट्रांस जैनिक एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं अब बच्चों बात आती है कि क्या हम इन एनिमल्स को ऐसे ही यूज़ करते रहें क्या हमें मतलब किसी ने प्रोजेक्ट लिखा उस प्रोजेक्ट में उसने लिख दिया कि मुझे ना सौ चूहे चाहिए क्या कोई ऐसी कमेटी uh, है क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चेक करती है कि एग्जैक्टली exactly असलियत में क्या इतने ही चूहे या इतने ही मंकीज़ की ज़रूरत है या उससे कम में भी काम हो जाएगा कोई फालतू में तो नहीं इनको एक्सप्लोइ कर रहा है तो उसके लिए भी एक कम्यूनिटी होनी चाहिए बिकॉज़ एथिकल हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इन एनिमल्स को एक्सप्लॉट ना करें जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करें फॉर दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट हैी ई ए सी जीनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी ये क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ठीक है तो यहां से बस अपना एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दूसरी बात की दूसरी बात हम करते हैं बायो पायरेसी की कहा गया बायो पायरेसी क्या है बच्चे चुरा लेना किसी की जो बायो रिसोर्सेज़ हैं उनको चुरा लेना और उनको अपना बना के बेचना एज बायो पायरेसी जैसे कि हमारे मैं अभी आपको कॉन्ट्रोवर्सीज बताने वाली हूँ जैसे कि हमारा बासमती चुरा लिया था जो बड़ी बड़ी देश होते हैं ना वो क्या करते हैं वो ये करते हैं कि Uh, जो छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से रिसोर्सेज लेके चले जाएंगे जैसे हमारा टर्मरिक हमारा नीम उसके ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सी है हमारी जो राइस है बासमती राइस उसके ऊपर वो ले गए उससे उन्होंने अपनी एक राइस की वेराइटी uh, बना ली उसको बेचा खूब पैसे कमाए सो दैट इज़ बायो पायरेसी जो चीज़ एक कंट्री को बिलोंग करती है आप उसको ले गए लीगली नहीं लेके गए आपने इलीगल यू नो मेथड से उसका पेटेंट ले लिया और आप उसके ऊपर फ़ायदा यू आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ इट दैट इज रॉन्ग तो हमारा जो इंडिया है इंडिया ने भी इंडियन पेटेंट्स बिल बच्चों पास कर दिया जो टेक केयर करता है कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसके लिए हम बड़ा एकदम विजिलेंट रहे बहुत ही सीरियस में तो ये याद रखेंगे आप कि इंडियन पेटेंट बिल पास हो चुका है इंडियन पार्लियामेंट में और मैं आपको कंट्रोवर्सी लिखवा देती हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है कंट्रोवर्सी लिख लेते हैं चलो तो कॉन्ट्रोवर्सी क्या है रिगार्डिंग द बायो पायरेसी रिगार्डिंग बायो पायरेसी क्या है बालको पहली वाली नंबर वन इज बासमती राइस सबसे तगड़े वाली हमारी जी ले गए हमारी कंट्री में मतलब डॉक्यूमेंटेड है देर आर सम टू लाख वेराइटीज टू लाख वेरायटीज ऑफ राइस ठीक है ऑफ राइस तो चावल की तो इतनी है एंड ट्वेंटी सेवन वेराइटीज ऑफ बासमती ट्वेंटी सेवन वेराइटीज ऑफ बासमती जो कि जाना जाता है अपने फ्लेवर ठीक है अपने फ्लेवर के लिए लॉन्ग ग्रेन के लिए बहुत ही अलग किस्म का चावल होता है तुम्हें तो पता भी है यू नो दैट किसको नहीं पसंद यार बासमती राइस है ना किसको नहीं पसंद सबको पसंद है ओके <laughs> okay, चलो हाँ जी नाउ अरे बस पांच मिनट रह गए खत्म है ये खत्म तुम्हारा चैप्टर अब क्या हुआ बच्चों इन द ईयर नाइनटीन इन नाइनटीन नाइनटी सेवन ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनी गलत तरीके से हमारे बासमती का पेटेंट ले लिया ठीक है इन्होंने क्या करा जो हमारा बासमती राइस था लिया बासमती का जीन निकाला उसको बच्चों उसका जीन किसके साथ सेमी जो वैरायटी ली राइस की अपनी कोई गंदी सी वैरायटी ले ली और हमारे बासमती के साथ उन्होंने क्रॉस कर दिया नई वैरायटी बना दी न्यू वैरायटी, जिसका नाम था टेक्समती, ठीक है जिसका नाम था टेक्समती, टेक्सस में थी ना टेक्सस में बनाई थी इन्होंने, तो उसका नाम उन्होंने लिख दिया टेक्समती, मतलब नाम भी बासमती के जैसा ही रख दिया ओके okay. अब भाई उसके बाद खूब पैसे कमाए ठीक है अब केस वेस चल चलाते रहो तुम अब वो पैसा कमा लिया वो तो कमा लिया ना वो हमारी जो एक रिसोर्सेस थे उनको तो एक्सप्लाइट कर लिया दूसरा बच्चों टर्मरिक उसके साथ भी यही हुआ तीसरा बच्चों नीम इन सब के पेटेंट गलत तरीके से लिए जा चुके हैं यस yes. हाँ द डेली टाइमिंग इज़ बच्चों सिक्स पी एम डेली टाइमिंग इज़ सिक्स पी एम छः बजे मैं छः पाँच या छः दस पे ही शुरू करती हूँ टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ तो मैं ये नहीं बोलूँगी और मैंने कल मैं करवाने वाली हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ओके ठीक है जी यस ओके यस सुनैना यू कैन यू कैन बिल्कुल 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 वन पी पे क्लास में कैसे लूँगी अरे वन पी पे मैं क्लास नहीं ले सकती यार कैसे लूँगी मुश्किल डिफ़िकल्ट फॉर मी ठीक है यस yes. और तीन बजे कल मैं इस चैप्टर का लेने वाली हूँ टेस्ट ठीक है ये सब मैंने तुम्हें बता दिया अच्छा कुछ क्वेश्चंस है क्वेश्चंस करने या तुम्हें होमवर्क में दे दूँ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई थी मैं लेटेस्ट तो ऐसा करना ये मैं आ, अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी पूरा का पूरा पी इसमें पांच छे कुछ लेटेस्ट आपके पीवाई क्यूज हैं, वो आप कर लेना ठीक है मैं यहाँ पे ऐसे शो कर देती हूं अगर किसी बच्चे को दिस इज योर होमवर्क ये होमवर्क बच्चों आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा ओके ठीक है पेटेंट क्या होता है पेटेंट इज पेटेंट क्या होता है बता देती हूँ कुछ बच्चे पूछे मैम पेटेंट क्या होता है पेटेंट होता है बच्चों कि आपका किसी चीज़ के ऊपर इंटेलेक्चुअल राइट है आपने कोई चीज़ बनाई है आपने कोई चीज़ डिस्कवर करी है आपने कोई टेक्नोलॉजी uh, बनाई है उस टेक्नोलॉजी का उस ऑर्गेनिज्म का यूज़ कोई तब करेगा जब आपसे परमिशन ले लिया उसने आपकी परमिशन के बिना अगर कर रहा है तो वो बायो पायरेसी होगी पेटेंट ये होता है पेटेंट का मतलब है कि आपका राइट right है उस चीज़ पे इंटेलेक्चुअल राइट right आपका है किसी और का नहीं है दैट इज़ पेटेंट ठीक है दैट इज़ पेटेंट Okay जी, ठीक है All right. <laughs> ठीक है जी चलो रीजन मैं संडे को लेने वाली हूँ तुम्हारा सेशन जो भी चैप्टर खत्म होंगे ना हफ्ते में उसका संडे को एसर्शन एंड रीजन हो जाएगा ठीक है जी ओके ओके सो एल्स अरे ये तो बता दें नहीं तो फिर देखो अपना एक बहुत बढ़िया ऑफर भी आ रहा है जिसमें आपको यू विल गेट ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ़ सीधा ट्वेंटी थ्री परसेंट आपको ऑफ मिल रहा है आन अकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे और अपना जनवरी में एक बढ़िया सा क्रैश कोर्स भी आने वाला है लाइव लाइव वाला आएगा बच्चों एक तो हमारा रिकॉर्डेड तो चल ही रहा है ठीक है एक लाइव भी आ जाएगा आपका क्रैश कोर्स यस जिसमें आपके सारे टॉप इंडिक्वेटर्स होंगे मैं भी होंगी आप मेरा कोड लगाएंगे ना गार्गी तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा आप जब मेरा कोड लगाए ना गार्गी तो बच्चे आपको ये ऑफ मिल जाएगा है ना ये वाला कोड नहीं लगाना है ये कुछ तो इन्होंने डाला हुआ है ये नहीं लगाने का है, गार्गी लगाने का है. <laughs> आपको टेन आपको ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ मिलेगा साथ साथ आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा है ना ठीक है हाँ नी ट्वेंटी फोर वाले एस्पिरेंट भी देख सकते हैं बिल्कुल क्यों नहीं देख सकते हैं एंड मेरा सारांश बैच तो बच्चों चल ही रहा है उसका जो प्राइसिंग है दैट इज एट वन नाइन 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 एंड वी हैव दिस अमेजिंग अमेजिंग टीम बहुत बढ़िया टीम है तुम्हारे लिए आई एम ऑल्सो इन दिस मैं दिख नहीं रही हूँ ठीक है बायो के लिए केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के लिए बहुत बढ़िया टीचर्स हैं तो so ये आपके रिकॉर्डेड वाले हैं जहाँ पे आपका क्या है ना आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग करोगे आप अपने अकॉर्डिंग लर्निंग करोगे ठीक है मेरी क्लास खत्म ही ना हो ऐसा लगता है <laughs> और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोई ये चैप्टर्स आते हैं तो बच्चे आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे ठीक है ना आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हो रिकॉर्डेड हैं आप अपने ही हिसाब से रात को टाइम मिले रात को कर लो सुबह को टाइम मिले सुबह को कर लो तुम्हारी मर्जी है ठीक है तुम्हारी मर्जी है एंड वी ऑल्सो हैव दिस संग्राम बैच गोइंग ऑन जो लाइव है इधर भी बच्चे आपको ये चल रहा है सिक्सटीन सिक्स फोर नाइन में आपको यहाँ टेन परसेंट ऑफ मिलेगा जब आप मेरा कोड लगाएंगे गाड़ी अरे यार तो अभी तो ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ है क्या टेन परसेंट अनेक आदमी बच्चे अब आपका आ, जो ऑफलाइन सेंटर्स है वहाँ पर आपका लॉन्च ऑफर आ रहा है फोर नाइन 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 में एंड आपके नए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अगर आप ऑफलाइन प्रेफर करते हो तो आपके अब तो बहुत सारे जगहों पर आपका अकेडमी का सेंटर खुल चुका है अब जनकपुरी में आ चुका है चंडीगढ़ में सिकर में आ चुका है तो मतलब क्या कोई दिक्कत ही नहीं है अब कल ना तीन बजे आप मुझे तुरंत पहुंच जाना तीन बजे स्पेशल क्लास लगी रहेगी तुम्हारी है ना? कल हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करेंगे विल स्टार्ट टुमारो ठीक है ओके चलो टेक केयर एंड बाय बाय